हेलो स्टूडेंट्स आई एम नीरज चास्टा टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर बायोकेम डीटीएस और फिजिक्स सीखो के बाद एक बार फिर से हम लोग आपके साथ में है डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज डीसीएम जिसमें हमारे पास डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होने हैं और वीकली मेजर टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट होने हैं आज जो हमारा पहला डेली टेस्ट हुआ है जिसमें टॉपिक्स रहे हैं फिजिक्स से यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट वैक्टर वन डी मोशन एंड रिलेटिव मोशन तो आज का पहले

N plus 1, that will be और अपने कैल्कुलेट करना क्या है इंस्ट्रूमेंट का डिस्ट काउंट कैल्कुलेट करना है इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स के लिए डिस्काउंट अगर अपन देखें तो कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है इंस्ट्रूमेंट दैट इज टू 1 डी माइनस क्या रहेगा 1 VSD. तो इसको, कर्डिंग, अब इसको करें, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज वन एम ठीक है माइनस 1 वी और 1 वी की वैल्यू अपन इधर से कैलकुलेट करके रखी हुई है

ये एन प्लस वन इधर जाएगा एन प्लस वन माइनस एन तो टर्म इक्वेशन बनेगा एन प्लस वन माइनस एन अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास एन प्लस वन और एक मेन स्किल डिवीजन वन एम एस डी की वैल्यू आपको कितने क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज ए तो अपने पास एन से ये एन अपना कैंसिल और हमारे पास रिजल्ट जो बन जाएगा यहां पर बचेगा हमारे पास कितना ए अपॉन एन प्लस वन

क्वेश्चन नंबर टू अपने को ये बोल रहा है द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द नंबर्स दीस नंबर्स आर दिए गए अंकों में प्रत्येक में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः होगी ठीक है अपने को कैलकुलेट करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स देख लेते हैं अपने पास क्या-क्या है नंबर्स हैं ये ठीक है 23.023 और ये नंबर और ये नंबर यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट

इधर अगर अपन बात करें तो हम लोग जानते हैं टेन डेस्ट पावर एक्स टाइप जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट तो यहां पर ये यह सारे जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और अगर अपन यहां पर नंबर्स की बात करें तो ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स तो ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट रहेगा और ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट रहेगा तो इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे टू तो अपने पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइव वन एंड टू इट विल बी द सिक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन नंबर्स ठीक है तो 512 की अगर अपन बात करें तो ये रहा अपने पास 512 क्वेश्चन नंबर टू का आंसर नंबर हो जाएगा हमारे पास वन चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग को क्या बोल रहा है मैन क्रॉसेस 320 मीटर वाइड रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन फोर मिनट्स इफ इन स्टिल वॉटर ही कैन स्विम विद स्पीड फाइव बाई टाइम्स ऑफ द करंट करंट का मतलब द फ्लो ऑफ द रिवर ठीक है देन द स्पीड ऑफ करंट इन मीटर पर मिनट विल बी वॉट स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर इन मीटर पर मिनट विल बी एक व्यक्ति 320 मीटर लंबी नदी को न्यूनतम पथ के अनुदेश मिनट में पार करता है है ओके ठीक यदि ठहरे हुए पानी में वह बहाव की चाल के पांच बटा तीन गुना चाल से तैर सकता है ठीक है तो बहाव की चाल मीटर प्रति मिनट में क्या होगी ठीक है एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको इन ही कैन स्विम इन स्टिल वॉटर रखी है और स्विमिंग स्पीड हमेशा जो रहेगी वो रिवेटिव रिलेटिव टू रिवर रहेगी ठीक है आदमी हमेशा रिवर के रेस्पेक्ट में ही तैर सकता है देखे? ऐसे जमीन पर तो तैर नहीं सकेगा the पास सिचुएशन तो यह है देख, अगर अपन बात करें मिनिमम पाथ रिवर सिचुएशन क्या है? है, पर ये अपने पास point A है, और shortest path के along, river अगर cross करना यानी कि आपको मूव करना है इस पाथ के अलोंग विद रेस्पेक्ट टू अर्थ आप इस पाथ के अलोंग यहां पर जाना चाहते हैं ठीक है अभी मैं ये करता हूं कि river जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रही है this is VR, river velocity in this direction. और आपको

ठीक है यहां पर आपके पास रिवर फ्लो हो रही है वी आर से तो सिंपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या बेसिक बात करते हैं अपन वी आर इज अवर आंसर आपको ये पूछा है कि बहाव की चाल कितनी होगी यानी कि आपको नदी का जो वेलोसिटी है या रिवर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है आपको ये बोला हुआ है दैट ही कैन स्विम विद स्पीड ऑफ फाइव बाई टाइम्स दैट ऑफ द करंट कहने का मतलब ही कैन स्विम कैन स्विम तो स्विम जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और स्विमिंग हमेशा रिलेटिव टू रिवर होगी मतलब की आपको ये देखा है वी एम आर दू फाइव बाई थ्री टाइम्स ऑफ अपने पास कितना हो गया है वी आर हो गया ठीक है ठेके? जब आदमी स्विम करेगा आदमी इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है रिवर आपको इधर की तरफ पुश करेगी और जिसकी वजह से आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ दैट विल बी इन द डायरेक्शन तो ये अपने पास क्या हो गया रिवर वेलोसिटी और ये आपके पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद विदेक्ट टू ग्राउंड तो ग्राउंड तो से अगर अपन बात करें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो आदमी सीधा सीधा ट्रेवल करेगा दिस विल बी द कंडीशन ऑफ क्रॉसिंग द रिवर द शॉर्टेस्ट पाथ ये अपना डायग्राम रहेगा वेक्टर डायग्राम रहेगा जिसमें अपने पास सारी चीजें यहां पर हो चुकी है अपने पास ये चीज है अपने को यह बोला हुआ है दैट वेड ऑफ रिवर इज वॉट दिस इज थ्री ट्वेंटी मीटर ठीक है और इसको क्रॉस करने में क्रॉस किससे हो रहा है क्रॉस विल बी टेक क्रॉस विल बी डन बाय दिस वीएम वेलोसिटी ठीक है अपने को ये बोला हुआ है दैट दिस दिस रिवर इज क्रॉस विद इन फोर मिनट्स तो अगर मैं बात करूं टाइम के लिए तो

ठीक है और आपको आंसर भी जो देना है आंसर किस में देना है मीटर पर मिनट में देना है तो यहां पर अगर मैं डी की बात करूं तो डी विल बी टू तो अपने पास कितना हो थ्री ट्वेंटी और ये वीएम मेरे पास हो जाएगा वीएम जो मेरा अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है आगे यहां से अगर अपन चलते हैं तो यहां से वीएम की अगर मैं बात करूं तो वीएम बन जाएगा आपके पास कितना थ्री ट्वेंटी अपॉन कितना हो जाएगा फोर दैट इज इक्वस टू एटी मीटर पर मिनट एक चीज हमारे पास आ गई है विच वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ठीक है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रेस्पेक्ट टू अर्थ अभी इस ट्रेंगल को अगर अपन रेफर करें तो हमारे पास ये एक तरह से क्या हो जाएगा हाइपेटेनियस हो जाएगा

vr इसका हो जाएगा अपने पास स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये बन गया मेरे पास vr का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कितना vm का स्क्वायर ठीक है इस vm स्क्वायर की वैल्यू यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दी रखी है दैट इज 80 स्क्वायर ठीक है और यहां पर vr कैलकुलेट करना है दिस विल बी 25 अपॉन कितना हो जाएगा मेरा 9 इनटू कितना हो जाएगा vr स्क्वायर माइनस इस vr को मैं उधर लेके जाता हूं तो दिस इज vr स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर ठीक है इधर इसको अगर सोल्व करते हैं तो दिस विल बी सिक्सटीन अपॉन नाइन वी आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा एटी स्क्वायर ठीक है

स्पीड ऑफ करंट या बहाव का वेग जो रहेगा वो कितना बनेगा अपने पास 60 मीटर पर मिनट ठीक है तो 60 मीटर पर मिनट का अगर अपन आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर रहेगा हमारे पास आंसर नंबर फोर। दिस विल बी 60 मीटर पर मिनट व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ करंट विल बी 60 मीटर पर मिनट एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें अपन ने रिवर अलॉन्ग मिनिमम पाथ न्यूनतम पथ के अनुदेश नदी को पार करने का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को रखना है कि अगर अपने को रिवर जो है, वो के करनी है, तो उसके लिए आपको रिवर करंट से रिवर करंट से एक पर्टिकुलर एंगल या इस परपेंडिकुलर लाइन से थोड़ा इधर स्विम करना पड़ेगा जिससे आपको रिवर इधर पुश करेगी और आपका बढ़िया क्वेश्चन है चलते थ्री विल्सटी मीटर पर मिनिट ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर। बात करते हैं ए मैन रनस 103.0 मीटर इन 10.3 सेकंड्स ओके फाइन फाइंड हिज एवरेज स्पीड अप टू प्रोपराइट सिग्निफिकेंट फिगर्स एक व्यक्ति 10 10.3 सेकंड में 103.0 मीटर दौड़ता है व्यक्ति की औसत चाल उचित सार्थक अंकों में ज्ञात करो

पर आपको आंसर जो देना है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है अगर, अगर अपन सिचुएशन की बात करें तो अब अपने पास यहां पर ऊपर तो अगर अगर वाले नंबर की बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है चार सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर अगर अगर बात करें, significant, significant, दो significant के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट तो यहां पर अपने पास कितना हो जाएगा तीन सिग्निफिकेंट फिगर है

अभी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और अपने को आंसर कितने में देना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में तो अपने को 10 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 10 को रिप्रेजेंट करेंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो दिस विल बी 10.0 ये सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद में जीरो दैट विल बी सिग्निफिकेंट दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो दैट विल बी सिग्निफिकेंट फिगर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 10.0 एंड इट विल बी टू द ऑर्डर ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स

तो यहां पर अगर अपन सिचुएशंस को देखें तो सिचुएशंस ये बन रही हैं अपनी लेंथ ऑफ रॉड ए अपने को दे रखा है एल ए की बात करूं तो ये अपने पास कितना है दिस इज व्हाट 3.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास 0.01 ठीक है लेंथ ऑफ रॉड बी अपने को बोला हुआ है लेंथ ऑफ रॉड बी इज ये कितना बन जाएगा 4.19 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0.01 आपको ये बोला हुआ है कि रॉड बी जो है वो रॉड ए से कितनी ज्यादा है उसके लिए बात करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर अपने से इसको सब्ट्रैक करना है तो सब्ट्रेक्शन बिल्कुल बेसिक सब्टन के रूल अपन अप्लाई करेंगे इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक करूंगा तो हमारे पास जो डेटा बनना है वो बनेगा दीरो पॉइंट नाइन फोर ये 19 है ये 25 है तो हमारे पास इसमें से इसको सब्ट्रैक करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0.94 ठीक है ये तो हमारा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट रहा बट इससे आगे अगर अपन बात करते हैं तो इसमें होने वाली एरर द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ बी इज दिस मच एंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ए इज दिस मच ठीक है तो बी की लंबाई में होने वाली त्रुटि ये दी गई है और ए की लंबाई में होने वाली त्रुटि ये दी गई है और हम लोग ये जानते हैं कि मापन में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं ये आपको निरपेक्ष त्रुटियां या एरर्स एरर्स दी हुई हैं तो तो हमेशा क्या होगी ऐड होगी एबसोल्यूट एरर्स जो ऐड होगी तो हमारे पास प्लस माइनस रिजल्ट जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा इधर एरर्स क्या होगी इन दोनों का सब होगा बट एरर्स विल बी एडिटिव जिसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बनेगा जीरो पॉइंट जीरो टू तो आंसर विल बी जीरो पॉइंट नाइन फोर इन दोनों का सब्टेक्शन आंसर देखे तो आंसर बनेगा जीरो पॉइंट नाइन फोर प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू इन सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में दिर्खा है ये भी सेंटीमीटर में दिखा है तो जीरो पॉइंट नाइन फोर प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू सेंटीमीटर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर रहेगा अपने पास आंसर नंबर थ्री

का मापन किया है जिसमें ए का मान ये दिया है तथा तो बी का मान यह दिया है इनका मापन किया गया है हमें अंडर को कैलकुलेट करना है कि उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो मैं सबसे पहले यह बोल देता हूं कि अस कंसीडर अपनी जो क्वांटिटी है एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ये हो गया मेरे पास ए बी ठीक है

आगे अगर मैं इसको लिखता हूं तो बेसिकली अगर अपने पास इसका जो रिजल्ट बनना है मैं इसको एक बार बेसिक बात करता हूं तो ये रूट टू बनेगा ठीक है बट आपको यहां पर ये रूट टू ये जो रिजल्ट देना है इसमें आपको रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन हुआ है और ये पावर है हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये अपने पास कितना है टू एस एफ है ठीक है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट इसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट 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 फिगर्स हैं हैं ये 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 भी सिग्निफिकेंट, ये भी भी है, टू है तो आपका ये जो कितनेप्लीकेश होगा उसके बाद जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाना चाहिए टू सिग्निफिकेंट इन मल्टीप्लीकेटिंग पॉडर्टीज में जो सिग्निफिकेंट है वो कितने हैं टू है तो रिजल्ट भी आपको क्या लिखा जाएगा दिस विल बी अंडर रूट ये हो गया टू पॉइंट जीरो अंडर रूट टू की वैल्यू अपन जानते हैं ये कितना होता है वन पॉइंट फोर वन फोर और ये अपने पास जो रिजल्ट जा रहा है वो अभी कितने में जा रहा है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स बट आपका रिजल्ट कितने सिग्निफिकेंट में आना चाहिए आपका रिजल्ट आना चाहिए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो इसको मेरे को राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप अप टू 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 सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करता हूं तो रिमूवेबल डिजिट अपने पास वन है तो इस सिस्टम को अपन यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं और आपके पास एक्स की जो ट्रू वैल्यू बन जाएगी ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी वन ठीक है आगे तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो वापस मीटर आ जाएगा तो यूनिट कितनी बन जाएगी, अगले सिस्टम की बात करते हैं वैल्यू की तो एक्स की अपने मुद्दा अभी अपने को बात करना है एब्सोल्यूट एरर्स का और एब्सोल्यूट एरर्स के लिए यहां पर ये जो चीज हो रही है ये क्या है अपने पास दिस इज द मल्टीप्लिकेशन इन स्क्वायर रूट ठीक है तो यहां पर एब्सोल्यूट एरर में रूल जो लगेगा वो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा और एक्स के लिए अगर अपन देखें तो एरर की अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली आप किस तरह से लिखोगे पावर कितनी हो जाएगी वन बाई टू कहने का मतलब मैं अगर एब्सोल्यूट एरर इन एक्स की बात करूं तो ये तो मल्टीप्लीकेशन और पावर है तो यहां पर जो रूल लगता है तो अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन और पावर के रिलेशन अगर मैं लिखूं तो इसमें आ आ पास डेल्टा ए अपॉन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ए प्लस हो जाएगा ये मेरे पास कौन डेल्टा बी अपॉन अपना हो गया बी जिसमें अब आपके पास सारी वैल्यूज है और ये जो चीज लिखी हुई है दिस इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ

अपॉन ए की वैल्यू ट्रू वैल्यू कितनी है दैट इज 1.0 ठीक है आगे इधर अगर अपन बात करेंगे तो ये मेरे पास हो गया प्लस इधर डेल्टा बी की वैल्यू दैट इज 0.2 अपॉन उधर वैल्यू कितनी है अपने पास इसकी दिस इज 2.0 एकदम आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो अपने सारे बेसिक रूल्स हैं सारे एक साथ दिमाग में रख के अप्लाई करने पड़ेंगे इधर देखो इसमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये आगे वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट तो इसमें एक एस एफ है और इसमें एस एफ है दो SF है इस है इसमें कितना एक इसमें कितने दो ऊपर वाली क्वांटिटी में अपने पास है तो अपना रिजल्ट जो रहना चाहिए वो कितने ऑर्डर तो तक के आना चाहिए वन एस एफ तक का रिजल्ट आना चाहिए तो इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन वन पॉइंट फोर दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा इधर एक में रिजल्ट में का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा और इज इन इसमें कोई दिक्कत नहीं है में का डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा अपने पास रिजल्ट बनेगा कितने में बनेगा जीरो पॉइंट ये मेरे पास हो जाएगा वन और ये कितने का हो चुका है तुम्हारा वन एफ एफ में रिजल्ट आ गया है अब ये दोनों एड होंगे

तो अगर अपनी को यहां पर देखें तो फिर से अगर अपने को डेल्टा एक्स ट्रूली कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा दिस इज 0.3 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास दिस विल बी 2 इंटू कितना हो जाएगा 1.4 वापस से ये जो चल रहा है मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या है ये आपके 2 एस एफ है ये कितना अपने पास वन एस है ये कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट बात आपको कह रहा हूं कि जो सारी ऐसे में की जाती है, उसमें आपको हमेशा ध्यान रखेंगे पावर वाले जो रहेंगे, उनमें आप की बात करते हैं पर अगर आपको पता है, तो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए अपन बात कर रहे हैं जो सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ कवर करता है ठीक है तो यहां पर ये टू एस है और ये पॉइंट जो है ये वन एस है तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितने एस में आएगा वन एस में आएगा इधर बात करूं तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 0.7 और आंसर तरी की अगर अपन बात बात करें तो दिस विल बी 0.21 0.21 बन बन रहा है। बन रहा है बट बात ये है 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 ठीक बट ये कि ये जो डिजिट है इसमें आपके पास कितना है है तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितने वन एस में अपना आंसर आना चाहिए पूरा लिख लेता हूं प्लस माइनस ये जो बन रहा है कितना है पॉइंट टू वन है बट इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने एस एफ तक वन एस एफ तक क्योंकि आपकी एरर्स जो दे रखी है वो डेसिमल की पॉइंट तक दे रखी है ये डेसिमल की पॉइंट तक दे रखी है जब इन दोनों क्वांटिटीज में डेसिमल की एक पॉइंट तक एरर हो रही है तो इस क्वांटिटी में डेसिमल की दो पॉइंट तक एरर कैसे हो सकती है तो इसका मेजरमेंट का ऑर्डर भी जो रहेगा आपका रिजल्ट जो रहेगा वो अगर अपन यहां पर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो रिमोबल डिजिट इज इस वन इसको रिमूव कर सकते हैं और एक्स की एक्चुअल वैल्यू जो आपकी बनेगी दैट इज वन पॉइंट फोर मीटर प्लस माइनस कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट टू दिस विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ध्यान रखें इसको एक बार आप सॉल्व करने की ट्राई करें फिर से जो बातें बोली गई है एक्स की ट्रू वैल्यू उस पर यही रूल अप्लाई होगा जिसमें ए और बी की ट्रू वैल्यूज अपन इंक्लूड करके एक्स की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसके बाद इस एक्सप्रेशन पर अपन ने ये बोला है कि ये मल्टीप्लिकेशन और पावर वाला मामला है तो इसमें रिलेटिव एरर इन एक्स विल बी बीवस टू वन बाई टू रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी और इस एक्सप्रेशन से अपने को की एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है तो वो इस तरह से सॉल्व होगी तो अपना आंसर हो जाएगा 1.4 प्लस माइनस 0.2 इन मीटर्स एक बढ़िया क्वेश्चन 1.4 प्लस माइनस 0.2 क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर रहेगा फोर क्या बात समझ आ रही है ठीक है तो आंसर विल बी फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स एक बढ़िया क्वेश्चन चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर सेवन पर क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन अपने को ये बोल रहा है दैट

अपने को ये दे रखा है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम की बात करनी है तो थ्री रेडियस में होने वाली एरर इफ द एरर मेजरमेंट ऑफ रेडियस में एरर अपने को थ्री है, है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एट पर क्वेश्चन नंबर एट ये बोल रहा है अपने को द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ

एक घनाकार के का मापन अपन कर रहे हैं जहां पर आपको द्रव्यमान और लंबाई में होने वाली त्रुटियां दी गई हैं और आपको यह बताना है कि उसके गणत्व में अधिकतम त्रुटि क्या रहेगी तो अपन जानते हैं दैट क्या है डेंसिटी दैट विल बी बीवल टू मास अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास वॉल्यूम या इसको अगर, अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा मास और वॉल्यूम अपने पास क्यूब की शेप में है तो ये कितना बन जाएगा एल क्यूब

प्लस थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा एल एल अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है एक तो थ्री और ये जो मामला चल रहा है ये ये परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं ये है तो ये भी परसेंट है तो परसेंटेज एरर जब भी होती है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ऐसा इशू नहीं रहता है क्योंकि आपने एक हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वेशंस में ठीक है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास थ्री परसेंट प्लस ये हो जाएगा मेरे पास वन पॉइंट फाइव कितना टोटल फोर पॉइंट फाइव परसेंट थ्री प्लस 1.5 दैट विल बी 4.5 तो इसका रिजल्ट अपना बन जाएगा आठवें क्वेश्चन का रिजल्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर 3 दैट विल बी 4.5% विल बी द एरर इन द डेंसिटी चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है दैट वीटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज एशोन द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड विल बी चित्र में किसी कण का वीटी ग्राफ दर्शाया गया है प्रथम चार सेकंड में कण कण द्वारा चली गई दूरी होगी ठीक है अभी अपने को यह बोला हुआ है कि ये वीटी कर् दीर्घा है और इनिशियल फोर सेकंड की बात हो रही है तो फोर सेकंड तो यही हो गया एक वेलोसिटी पहले बढ़ रही है और वेलोसिटी बाद में जैसे गाड़ी की वेलोसिटी पहले बढ़ रही हो अपन एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को और फिर वापस ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है ठीक है तो इस ड्यूरेशन में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन ने मैक्सिमम वेलोसिटी जो अचीव किया है दैट इज 8 मीटर पर सेकंड और अपने को यहां पर कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द द डिस्टेंस बाय पार्टिकल ठीक है एक तो ये दिख रहा है कि ये मोशन इन वन डायमेंशन है पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी वापस क्या हो रही है कम हो रही है और इधर वेलोसिटी वापस क्या हो चुकी है जीरो हो गई है तो इस टाइम पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे सेम रहेंगे अगर अपने को बात करना है डिस्टेंस कवर्ड की तो हम लोग जानते हैं कि वीटी कर्व का जो एरिया अंडर द कर होता है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे तो पास दैट बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और वो अभी डिस्टेंस के बराबर रहेगा तो अगर अपन यहां पर देखें तो अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी एरिया अंडर द कर्व एरिया ये बन रहा है अपने पास एक ट्राइंगल then the distance covered will be equal to area of the triangle half base into base कितने का है तुम्हारे तो पास चार into कितना हो जाएगा height जो कितनी अपने पास आठ है तो ये बन जाएगा मेरे पास two eight into two अपने पास कितना हो जाएगा sixteen meter distance travelled by the particle will be equal to sixteen meter sixteen meter question सिंपल क्वेश्चन नवे का आंसर रहेगा आंसर नंबर टू सिक्सटीन मीटर विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर टेन पर क्वेश्चन नंबर टेन

टू पाई डायमेंशन लेस एंड डायमेंशन लेस तो यहां से अपन जान रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम और प्लाइंग की जो डायमेंशन रहनी है वो दोनों की डायमेंशन क्या रहनी है सेम रहनी है ये तो अपना क्या हो जाएगा मुद्दा क्लियर है कि ये दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम बनेगी ठीक है इसको आप एनर्जी से भी सोल्व कर सकते हैं e न्यू से भी बट अपने को अगर, अगर अपन इस तरह से कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो अपन डायरेक्ट रिलेशंस को रेफर करेंगे दूसरा इंपल्स एंड मोमेंटम अपन जानते हैं कि इंपल्स जो होता है इम्पल्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम या इसको मैं बोलूं कि इम्पल्स दैट विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस क्या रहेगा पी इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम से momentum subtract होगा तो मोमेंटम ही बनेगा कहने का मतलब इम्पल्स और मोमेंटम की डायमेंशन भी क्या रहनी है सेम होनी है टाइम अगर मास चेंज हुआ मास सबके पास कितना पांच किलो से छ किलो हो गया तो मास कितना चेंज हुआ एक किलो चेंज हुआ तो चेंज की हमेशा जो डायमेंशन रहती है वो ओरिजिनल क्वांटिटी की सेम रहेगी तो यहां पर इंपल्स और मोमेंटम की डायमेंशन भी क्या बनेगी सेम बनेगी ठीक है अब अपन यहां पर बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है अपना दैट इज एम आर अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन की बात करूं अब ऑप्शन नंबर थ्री को अपन डिस्कस कर रहे हैं ठीक है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा एम वन ये बन जाएगा अपने पास कौन है एल टू टी जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स होता है अपने पास कौन टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो टॉर्क होता है ठीक है तो ये बन जाएगा हमारे पास आर क्रॉस एफ ठीक है आर ये बन गया पास कौन? L, और इधर बन जाएगा तुम्हारे पास फोर्स एम वन एल वन टी माइनस क्या हो जाएगा टू तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना एम वन इधर बन जाएगा हमारे पास एल टू टी माइनस टू तो इस कॉम्बिनेशन में आपके पास जो डायमेंशन है वो दोनों क्या बन रही हैं अलग अलग बन रही है तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्चुअली टॉर्क तो टॉर्क तो और मोमेंट ऑफ एनर्जिया की डायमेंशन सेम नहीं होती है तो अपना आंसर जो रहेगा दसवीं दैट विल बी थ्री एक बार पता तो चल ही चुका है आगे बात करते हैं वर्क और टॉर्क के लिए दिखे तो वर्क और टॉर्क एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है वर्क क्या होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ठीक है और अगर, अगर अपन यहां पर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है फोर्स फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट है और ये रेडियस है तो आपके पास वर्क और टॉर्क की डायमेंशन हमेशा क्या बनेगी सेम बनेगी वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है तो इन दोनों की डायमेंशन सेम और अपना जो रिजल्ट रहेगा इस कॉम्बिनेशन की डायमेंशन जो है वो मैच नहीं करेगी विच डज नॉट हैव हैटिकल डायमेंशन तो दसवीं का आंसर रहेगा अपना आंसर नंबर थ्री चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ग्यारह पर क्वेश्चन नंबर इलेवन इधर

उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर उसमें थोड़ा सा टाइम क्या लगेगा ज्यादा लगेगा उसका एक अच्छा तरीका यह है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे जो रिलेशन अपन जानते हैं उन रिलेशन को अपन पुट करेंगे देखो यहाँ पर एच आ रहा है तो एच क्या है अपने पास एच होता है एनर्जी ई जिग्रो अपने पास क्या होता है एच सी अपॉन लेमडा और लेमडा जो होती है वो एक तरह की डिस्टेंस होती है ठीक है तरंग देर दिए या वेवलेंथ की अगर अपन बात करें तो वेवलेंथ इज लेंथ एंड इट इज डिस्टेंस E जो होता है दिस इज एनर्जी ये वर्क होता है और ये बेसिकली होता क्या है दिस इज फोर्स इन क्या रह जाएगा तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा मेरे पास एच सी अपॉन क्या हो जाएगा लेमडा <coughs> क्या बात समझ में आ रही है ठीक है एनर्जी ये वर्क है और वर्क की वजह से मैं इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं इंटरेस्टिंग मामला अब फोर्स अपने पास ये जो टर्म बन रही है ई स्क्वायर अपॉन Not, इसको मैं देखूं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों अगर आर डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स एक्ट करेगा वो हो जाएगा अपने जो फोर्स बन रहा है इस फोर्स को मैं उठा के यहाँ पर लेके रख देता हूँ तो अपने पास अगली टर्म जो बन जाएगी ये बन जाएगी फोर्स वन अपॉन फोर पाई एफसेलन नॉट ये हो जाएगा मेरे पास ई e क्या हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर ये आ गया फोर्स इधर चल रहा है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट इधर चल रहा है तुम्हारे पास कौन एच सी अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास लेमडा क्या पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक है आगे अपनी को जो जो चीजें बोल बोल रखी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट रखा है तो एस सी को इधर भेज देता हूं और बाकी सारा मामला इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास ई स्क् अपॉन ये बन गया अपने पास पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा मेरे पास एच सी ठीक है तो इधर जाएगा ऊपर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन

m0l0t0 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा आंसर नंबर वन। एक बढ़िया क्वेश्चन चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 12 द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन mlt एंड c c जबकि आपको बोला हुआ है दैट इज कूलाम विल बी गिवन एस ठीक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा mlt तथा c कूलाम के रूप में होगी अब आपको अनकन्वेंशनल मामला दे रखा है ये ऐसा ही सिस्टम की बात नहीं हो रही है जनरल बात हो रही है जिसमें एम तो है बट यहाँ पर आपको करंट नहीं दे रखा है आपको गुलाम दे रखा है तो आपको इस टर्म में अगर डायमेंशन की बात करनी है तो उसके लिए अपन चलेंगे किस तरह से अपन सोल्व करेंगे सिस्टम वापिस से आप कोई भी एक जनरल फॉर्मोट उठाएंगे जिसमें आप चीजें जानते हो तो ठीक है तो अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर जाना है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक बेसिक अपन जानते हैं एफ विल बी बीव टू अपने पास क्या रहता है क्यू वी बी और यहां से अपने पास ये चार्ज आ रहा है वी आ रहा है और इस जगह से अपन इंटेंसिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें अगर मैं यहां पर बात करूं तो बी पास क्या हो जाएगा, This is F upon क्या हो जाएगा? अपना डायमें टू अपॉन क्यू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास अब कुम बोला हुआ है कुलाम कौन है अपना चार्ज है तो दिस बी सी वन और वेलोसिटी क्या हो जाएगा एल वन अब अपन क्या हो जाएगा ये t वेलोसिटी मीटर पर सेकंड l1 t 1 क्या बात समझ में आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो डायमेंशन ऑफ b विल बिकम इसको अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो इधर l1 से एक l1 कैंसिल इधर जाएगा मेरे पास मामला दिस विल बी m1 ये हो जाएगा l0 t 2 और ये जाएगा तो प्लस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और इधर बन जाएगा तुम्हारे पास c 1 एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको बेसिक रूल्स को पहले वाले जो रूल्स अपन ने सीख रखे हैं उनको यूज करना है रिजल्ट रहेगा m1 l0 m1 इधर तो l आ रहा है ये तो नहीं बनेगा ठीक है इधर भी l आ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा इधर m1 t 1 c 1 m1 t 1 c 1 इधर t 2 बन रहा है ठीक है तो दिस विल नॉट बी द आंसर आंसर विल बी 3 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा अपना 3 दैट m1 t 1 c 1 विल बी देयर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडेटी इन टर्म्स ऑफ एम एल चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर माइनस टू प्लस वन ठीक है थोड़ा ही डिफरेंस है थोड़ा सा ध्यान रखना है चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये बोल रहा है We need to

स्पीड स्पीड की डायमेंशन दल वन टी माइनस वन इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर तो ये बन जाएगा टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर हो जाएगा अपना थ्री एल टू टी माइनस टू इधर एल टू एल टू टी माइनस टू देन एक बढ़िया क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में है चलते हैं अपन

घंटा में परिवर्तित कर दिया जाए तो गुत्वित त्वरण का संख्यात्मक मान हो जाएगा एक बढ़िया क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ध्यान से सॉल्व करना है कारण इसका यह है कि कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें किलोमीटर और आर में किलोमीटर और आर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपन ये रूल यूज करेंगे

ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां पर इस डेटा को अगर सॉल्व करें, ये ये बन गया मेरे मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा तो। तो गया मीटर और आर को अगर सेकंड में लिखे ठीक है तो वन आर दैट इज इक इक्वस टू थ्री सिक्स जीरो जीरो ये हो तुम्हारे पास सेकेंड पर इसका क्या होगा स्क्वायर होगा क्या बात समझ में आ रही है

और अगर अपन यहां पर एन टू की बात करें तो विल बी ये सारा मामला जाएगा उधर और उधर बनेगा आपके पास थर्टी सिक्स जीरो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एन टू का रिजल्ट बनेगा हमारे पास वन टू नाइन सिक्स डबल जीरो हमारे पास रिजल्ट रहेगा एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है that result will be 1, 2, 9,

हमेशा यहां पर डायमेंशन में ये रिलेशन अपने को दे रखा है फिजिक्स का एक बेसिक रूल होता है कि दो सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड होती है और उसके बाद जो रिजल्ट जो मिलता है वो भी उसी टाइप का रहेगा कहने का मतलब मास में मास ऐड होगा और उसका रिजल्ट जो मिलेगा वो भी मास ही मिलेगा तीन किलो में पांच किलो ऐड करेंगे तो आठ किलो मिलेगा ठीक है तो यहां पर भी ये एक डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है इसका मतलब इस क्वांटिटी में ये वाली क्वांटिटी अपन ने ऐड करी और जिसकी वजह से ये मिला यानी कि ये वाली क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी इनकी टाइप सेम रहनी है या इनकी डायमेंशन क्या रहनी है सेम रहनी है तो अगर मैं वाई की की बात करूं तो वाई की डायमेंशन जो बन जाएगी वो इधर अपने को कौन दे दे रखा रखा है है फोर्स है। तो वाई की डायमेंशन सीधी सीधी फोर्स की डायमेंशन के बराबर रहेगी एमवन एलवन क्या हो जाएगा मेरे पास टी माइनस टू एम वन एलवन टी माइनस टू ठीक है तो चलते हैं आगे बात करते हैं अब अपने को ये बोल रखा है एक्स अपॉन अपने पास कौन है लीनियर डेंसिटी

इसको इधर लेके आएंगे तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा ये एक्स नहीं है ये लीनियर डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन है ठीक है और लीनियर डेंसिटी क्या है मास पर यूनिट लेंथ तो इधर लेंथ से ये एक लेंथ कैंसिल इधर मास मास ये हो जाएगा मेरे पास एम टू ये बन जाएगा एल जीरो और कितना बन जाएगा टी माइनस तो एक्स की डायमेंशन जो रहनी है दैट विल बी एम टू एल जीरो टी चलते हैं 15 m2 l0 t minus 2 x की डाइमेंशन तो अपनी बैटरी है और y की डाइमेंशन m1 l1 t minus 2 y की डाइमेंशन m1 l1 t minus 2 तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर हो जाएगा तो one only 15 one ठीक है इधर बाकी ऑप्शंस के लिए अगर अपन बात करें तो इधर l2 l minus 2 m0 l0 t0 इधर m1 l1 t minus 2 तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, 15 का आंसर रहेगा अपना आंसर नंबर one चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पर 16 डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेटेंट हिट एंड कैपेसिटेस आर रेस्पेक्टिवली चलो बात करते हैं हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम L। ये क्या होता है हमारे पास mvr। तो डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ लेट डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बीव टू ये मेरे पास बन जाएगा एम वन वी की वैल्यू वी की डायमेंशन एल वन ये हो गया टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड और इधर हो जाएगा अपने पास आर रेडियस है तो ये हो जाएगा एल तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बन रही है ये 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 बन जाएगा मेरे पास भी नहीं और फोर में मैचिंग हो रही है ठीक है वापस लेटेंट हीट लेटेंट हीट के लिए अपन जानते हैं क्या होता है मेरे पास एम एल यहां से अगर मैं लेटेंट हीट एल के लिए बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा क्योंकि के लिए पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा एम वन एल टू ये अपने पास क्या है हीट एनर्जी T माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास M तो यहाँ से ये कैंसिल एंड दिस विल बी एल टू क्या हो जाएगा मेरे पास T माइनस टू ठीक है

तो अपने पास q की डायमेंशन a t और पोटेंशियल की डायमेंशन रहती है m1 l2 t 3 ये हो जाएगा मेरे पास a 1 पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल की अपन बात करें हैं? तो ये वापस से क्या होता है हमारे पास v दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो इसकी डायमेंशन की अगर अपन बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा m1 l2 t माइनस टू और चार्ज की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे तो पास 80 तो इसको अगर अपन शिफ्ट करेंगे तो एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन ए सॉरी माइनस वन पोटेंशियल ठीक है तो, तो यहां पर आपको पोटेंशियल की डायमेंशन हमेशा याद रखनी इलेक्ट्रिसिटी की डायमेंशन इससे थोड़ी सिंपल हो जाएगी एम वन एल टू डी माइनस थ्री ए माइनस वन जिसमें इसको अगर अपन शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास एम माइनस वन एल माइनस टू इधर बन जाएगा मेरे पास टी फोर और ये बन जाएगा अपने पास कौन ए और ए ए टू ए टू तो अपने पास ये कॉम्बिनेशन में इधर अगर अपन देखें तो एम माइनस वन एल माइनस और ए अपना क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर रह जाएगा अपने पास फोर द डायमेंशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विल बी इन दिस वे ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर फोर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 अपने को बोल रहा है क्या बोल रहा है द डाइमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ टाइम एंड करंट विल बी ठीक है द्रव्यमान लंबाई समय तथा धारा के रूप में वैद्युत प्रतिरोध की विमा होगी वापस से अगर अपने को ऐसा मामला सॉल्व करना है तो अपन हमेशा ध्यान रखेंगे कि अपन क्या करेंगे जो फॉर्मुले हैं उनको यूज करेंगे जिसके लिए अपन रेफर करते हैं v इजगल्स टू अपने पास क्या है आई आर जिसमें अपने को दिख रहा है कि आर आई की टर्म में आ जाएगा जिसमें यहां पर आर जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास वी अपॉन आई और इसकी अगर मैं बात करूं तो v v की डायमेंशन अभी कैलकुलेट करी है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास m1 l2 t टू टी माइनस थ्री ए अपॉन ये तुम्हारे पास i जो क्या हो जाएगा a हो जाएगा ठीक है करंट की टर्म में देना है

चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है वापस से बात करते हैं द डाइमेंशन ऑफ सिग्मा b स्क्वायर विल बी वेयर सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट एंड b इज विन कांस्टेंट सिग्मा b स्क्वायर की विमा होगी जहां सिग्मा स्टीफन नियतांक तथा b विन नियतांक है एक बढ़िया क्वेश्चन जिसके लिए आपको थोड़े से पीछे रेडिएशंस के थोड़े से कॉन्सेप्ट को पिक करना पड़ेगा यहां पर आप सीधा अगर इन डायमेंशन इन पैरामीटर्स की डायमेंशन अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको अगर यूनिट्स याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है उसके लिए बात करेंगे अपन जानते हैं स्टीफन क्या बोलता है दैट एनर्जी अगर अपने पास एक ब्लैक बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अपने पास टी हो तो इससे एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडियश ठीक है तो ये बोलता है स्टीफन लॉ दैट

एनर्जी की पता इधर अपने पास ये टेम्परेचर चल रहा है ठीक है और ए उन टी ये भी अपने को पता है अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपन बी की अगर अपन बात करें तो वीन लॉ अपन जानते हैं क्या होता है लेमडा इंटू टी दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास बी ठीक है

पर यूनिट एरिया टाइम जिसके अकॉर्डिंग इसको अपने थोड़ा सा और सॉल्व करें तो अपनी जो अगली सिचुएशन बन जाएगी दिस इज एनर्जी एनर्जी क्या होती है एम वन एल टू टी माइनस टू इधर एरिया एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एरिया दैट इज एल टू इधर कौन है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो ये है टाइम टी इधर चल जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा ऊपर बन गया बी फोर और नीचे चल रहा है लेमडा टू दी पावर फोर और लेमडा टू दी पावर फोर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास लेमडा लेंथ है तो ये क्या हो जाएगा एल टू दी पावर फोर ठीक है इधर से एल से ये एल कैंसिल इसको ऊपर भेजेंगे तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने जो सॉल्व किया है वो हो जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट दैट इज एम ये जाएगा तुम्हारे पास उधर एल इधर हो जाएगा मेरे पास कौन t ये t ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा ये माइनस का थ्री बन जाएगा तो m1l4t 3 will be the रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन ठीक है एक बढ़िया क्वेश्चन m1l0t0 m0 नहीं इधर भी नहीं है m1l4t 3 m1l4t 3 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर रहेगा टू एक बढ़िया बात ठीक है चलते हैं वन अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं 19 क्वेश्चन नंबर 19 जो अपने को बोल रहा है वो ये बोल रहा है राइट द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट ओके ठीक है व्हिच वन ऑफ द व्हिच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट दिए गए ग्राफ में विस्थापन के सापेक्ष वेग के परिवर्तन को दर्शाया गया है निम्न में से कौन सा ग्राफ सही रूप से विस्थापन के सापेक्ष त्वरण में परिवर्तन को दर्शाता है ठीक है आप हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कोई रिलेशन दे रखा है और आपको एक्सेलरेशन की बात करनी है तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ए विल ऑलवेज बी टू क्या हो जाएगा वी डीवी अपॉन जो अपन पहले से जानते हैं ठीक है अब आगे यहां पर अपन देखें तो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है और इधर अगर अपन देखें तो ये वी और एक्स और डीवी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ ठीक है वी एक्स वक्र का ढाल हो जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास वी और ये क्या हो जाएगा वी एक्स का स्लोप वी एक्स कर का स्लोप कैसे ग्राफ अपन निकालते हैं कि कैसा ग्राफ बनने वाला है ठीक है तो ये रहेगा हमारे पास सिचुएशन वी एक्स वक्र का ढाल और ये जो वी एक्स कर्व तुमको दे रखा है ये वी एक्स कर्व ऐसे बोल रखा है तो इसका इधर से बनने वाला एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो इसका स्लोप जो है वो अभी क्या है नेगेटिव नेगेटिव है है इस ग्राफ का स्लोप तो मैं यहां पर देख सकता हूँ ए विल बीवस टू ये वी और इधर अपने पास स्लोप जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है कहने का मतलब अगर मैं बात करूं और स्लोप नेगेटिव और कॉन्स्टेंट है स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव और कांस्टेंट यानी कि मैं इसको एक तरह से माइनस के लिख देता हूँ ये स्लोप जो बनेगा इस तरह से बोल रहा हूँ क्या मेरी बात समझ में आ रही है स्ट्रेट लाइन स्लोप कॉन्स्टेंट और एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप क्या रहेगा तो तो क्या हो गया है एक्सेलेशन का, का ग्राफ जो रहेगा वो वी के ग्राफ जैसा ही रहेगा बर उल्टा रहेगा नेगेटिव रहेगा कहने का मतलब वी अगर इधर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इधर आना चाहिए अपने पास कौन एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो क्या आएगा नेगेटिव अब इधर की तरफ अगर अपन बात करें तो इतनी वैल्यू तो इतनी वैल्यू वापस क्या हो जाएगी नेगेटिव ये इतनी वैल्यू तो इतनी वैल्यू अपने पास पास क्या हो जाएगी नेगेटिव ये वैल्यू तो अपने एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आना चाहिए वो इस तरह से कुछ बनना चाहिए ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका नेगेटिव नेगेटिव का मतलब ऐसा तो हमारे पास इनमें से कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है दैट इज दिस

रिपोर्टेड मिन टाइम शुड बी ठीक है आगे बात करते हैं एक छात्र एक सरल लोलक के दस दोलनों का आवर्तकाल चार बार मापन का चार बार मापन करता है उसके द्वारा प्राप्त प्रेक्षण क्रमशः 91 सेकंड 92 सेकंड 93 सेकंड तथा 96 सेकंड्स है यदि प्रेक्षण मापने वाली घड़ी में न्यूनतम विभाजन एक सेकंड हो तो आवर्त काल का औसत मान दर्शाया जाएगा ठीक है तो अपने पास मेजरमेंट ये हो चुका है अगर अपने को टी या टाइम पीरियड की मीन वैल्यू चाहिए तो मीन वैल्यू क्या होगी दैट विल बी 91 plus 92 plus 93 प्लस ये हो गया 96 सिक्स अपॉन ये बनेगा अपने पास कितना 4 ठीक है और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा अपने पास 93 और 96 इसको भी देख सकते हैं 93 इधर एक कम इधर दो कम तीन इधर कम तीन इधर ज्यादा तो अपने पास क्या हो जाएगा रिजल्ट विल बी 93 ठीक है आगे तो ये तो अपनी ट्रू वैल्यू हो गई रिजल्ट आपका रहेगा 93 अपनी ट्रू वैल्यू रहेगी 93 विल बी द ट्रू वैल्यू अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट अब अपन बात करना है एरर की बात करनी है और एरर अगर अपन देखें तो अपना जो पहला मेजरमेंट है पहले मेजरमेंट में जो एरर बन रही है वो कितनी हो जाएगी नाइनटी माइनस कितना हो जाएगा नाइन्टी वन दैट विल बी बीवस टू इन दोनों के बीच में गैप कितना है टू उसी तरह से डेल्टा टी टू ये पहले और दूसरे जो मीन वैल्यू है मीन वैल्यू से इसमें होने वाली एरर चौथे मेजरमेंट की बात करूं करू, तो चौथे मेजरमेंट में एरर नाइन्टी थ्री माइनस नाइनटी सिक्स जो कि बेसिकली माइनस तीन लिखना होता है बट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है दैट इज ऑनली थ्री ठीक है तो अपने पास ये चीज बनती है ये इनको बोलते हैं अपन एप्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट एप्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट अब अपने को बोलना है यहां पर मीन एप्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है डेल्टा टी एम मीन एप्सोल्यूट एरर तो सारे एप्सोल्यूट एरर्स का एरर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस वन प्लस अपने पास कितना हो जाएगा थ्री अपॉन अपना रिजल्ट क्या हो जाएगा दिस विल बी एवरेज की बात कर रहे हैं तो तो ये बन जाएगा अपने पास कितना 6 बटा 4 और 6 बटा और के according अपना result बनना चाहिए ठीक है 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 तो जो आ रही है, वो second आ रही रही बट आगे, आगे क्या बोला हुआ है अपने को आगे बोला है कि उसका जो मिनिमम डिवीजन है वो एक सेकंड है एक सेकंड होने का मतलब आप एक सेकंड मेजर करेंगे उसके बाद अगला जो मेजरमेंट होगा वो दो सेकंड होगा और अपना जो टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है इधर 1.5 सेकंड तो आपकी क्लॉक 1.5 सेकंड तो मेजर कर ही नहीं सकती आपकी क्लॉक अगला मेजरमेंट क्या बनेगी करेगी दो सेकंड करेगी तो बेसिकली आपको यहां पर जिस ऑर्डर पर आपकी क्लॉक मेजर करती है उस ऑर्डर पर अपने को इस डिजिट को क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ करना पड़ेगा राउंड ऑफ राउंड ऑफ करेंगे इस जगह पर क्योंकि अपनी क्लॉक जो है वो इसी ऑर्डर में मेजर कर पा रही है यहां पर रिमूवेबल डिजिट फाइव फाइव के आगे क्या आ रहा है के आगे जीरो इसके पीछे कौन है ऑड नंबर है ऑड नंबर है तो अपने पास क्या होगा ऑड नंबर में एक का इंक्रीज होगा तो अगर अपन डेल्टा टी एम की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास दिस विल बी, दिस विल विल बी बिकम टू, टू ठीक है इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो एक से इंक्रीज करेंगे एक से इंक्रीज करेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा टू सेकंड तो अपना जो रिजल्ट बनने वाला है वो बन जाएगा अपने पास कितना प्लस माइनस

स्क्वायर जिसमें अगर अपन स्क्वायर्स को कॉमन करें तो ये बन जाएगा मेरे पास इसका रिजल्ट जो बनेगा 3 square, बनेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस ये ये और उसके बाद तो नंबर तो ट्वेंटी रहेगा टू चलते हैं अपने अगले पर. तो 22, को ये बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम निम्नलिखित में से सही कथन होगा यहां पर अगर अपन बात करें आ, देखते हैं पॉइंट नंबर वन ए बॉडी हैविंग जीरो, विल नेसेसरीली है, जीरो ठीक है क्या बोल रखा है उसका त्वरण शून्य हो यह आवश्यक नहीं है ऐसा बिल्कुल होता है अपन जैसे सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं एक बॉल को अपन ने ऊपर फेंका है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस बॉल की वेलोसिटी कितनी अगर वेलोसिटी जीरो तो जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन क्या हो जीरो हो तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर नंबर हो जाएगा हमारा वन ठीक है अगर आगे वाले ऑप्शन डिस्कस करने हैं, तो उनके लिए बात करें ए बॉडी जीरो ये तो बात नहीं है जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जीरो हो जरूरी नहीं है विल नेसेसरीली बोला है तो नेसेसरी तो नहीं है ठीक है वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है बट ये चीज नेसेसरी नहीं है नेक्स्ट ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव नॉन जीरो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण नियत अशून्य हो सकता है ठीक है तो हमारे पास अगर इसकी बात करें तो लेट अस कंसीडर सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर मोशन में अगर, अगर, अगर अपन बात करें तो हमारे पास ये पार्टिकल जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से वी स्पीड से चल रहा है ये अपने पास यूनिफॉर्म स्पीड है वी कांस्टेंट हो गया अगर अपन यहां पर बात करें इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है तो इसका एक्सलरेशन तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा तो कैन हैव नॉन जीरो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है अगर इस जगह पर बात करें तो स्पीड अपने पास क्या है कांस्टेंट है स्पीड अगर कांस्टेंट है तो अगर अपन देखें तो इसका एक्सेलरेशन जो रहेगा उस एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना रहेगा वी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा आर वी स्क्वायर अपॉन आर की जब बात होगी तो इसमें अपने पास क्या है एक्सेलरेशन वी इसका कॉम सेम है ठीक है आर इसकी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कैन हैव

नहीं होगा और इसके लिए अगर अपन अगली बात करें तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन स्पीड कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है ठीक है तो ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव नॉन जीरो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता एटलीस्ट उसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो क्या होगी चेंज होगी ही होगी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ेशन ये तो सीधा सीधा ही गलत हो गया कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो, हो रही है तो उसका एक्सलेशन कुछ ना कुछ होगा दैट विल नॉट है अपने पास यहाँ पर क्या है अगर मैं बोल देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सलेशन दैट विल बीवल टू डी वी अपन डी टी तो एक्सलरेशन भले ही कॉन्स्टेंट होगा बट एक्सलेशन होगा जीरो नहीं हो सकता तो विल हैेशन ऐसा नहीं हो सकता ठीक है तो ये कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है मोशन के लिए जो आपको जान रखने हैं अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है नेक्स्ट ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी वन ठीक है एंड अदर हाफ विद स्पीड वी टू ठीक है देन इट्स एवरेज स्पीड इज एक वाहन तय की गई कुल दूरी की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल होगी ठीक है सिंपल अगर अपन देखें तो अपने पास ये पहली सिचुएशन ये अपने पास डिस्टेंस हो गई लेस से d इसको कितने से अपन कवर कर रहे हैं v1 से अगली डिस्टेंस और ले लेता हूं ये कितनी है d इसको कितने से कवर कर रहे हैं v2 से तो अगर अपन v एवरेज की बात करें एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इधर जो टाइम लग रहा है उसको टी वन बोल देता हूँ इधर जो टाइम लग रहा है उसको टी टू बोल देता हूं तो टोटल डिस्टेंस पास कितनी हो टू डी अपॉन टोटल टाइम कितना पास टी वन प्लस टी टू बन जाएगा मेरे पास कौन टू डी अपॉन टी वन की बात करूं तो टी वन टी वन क्या हो जाएगा मेरे पास इधर डिस्टेंस है इधर स्पीड है तो दिस विल बी डी अपॉन क्या हो जाएगा वी वन प्लस इधर डिस्टेंस ये है स्पीड अपनी v2 है तो तो t2 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास d क्या हो जाएगा v2 v2 d d कॉमन और इधर लेंगे v1 ये दोनों ऊपर जाएंगे तो अपने पास टू वी वन बी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू. तो वी विल रहेगा टू वी वन बी टू अपॉन वी वन प्लस रहेगा चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 24 पर तो 24 क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 50 मीटर ठीक है विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इट्स एवरेज वेलोसिटी इज ओके एक कण वर्ग की भुजाओं ए बी बी सी और सी डी जिनकी लंबाई 50 मीटर है के अनुदिश 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करता है कण का औसत वेग होगा ठीक है यहां पर ये अपने को बोल रखा है पार्टिकल ये अपने पास कौन कौन सी सिच्चुछन है? सिच्चुछन ये है कि ये अपने पास हो गई फिर अपन जा रहे हैं बी सी पर और उसके बाद अपन जा रहे हैं किस पर सी डी पर ये कितना है हमारे पास 50. ये भी कितना है कि इन पर अपन कितने से जा रहे हैं फिफ्टी मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं तो आपको यह बताना है वॉट विल बी द द एवरेज वेलोसिटी ओवर पाथ ठीक है तो देखें अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे अगर तो इधर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी ये अभी आपको जो वैल्यू दे रखी है ये इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंस पर अगर आप बात कर रहे हो तो किसी इंस्टेंस पर वेलोसिटी आपको कितनी बना रखी है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड ठीक है चलते हैं अपन अगली सिचुएशन पर सिचुएशन ये है कि अपन अगर यहां से यहां पर जा रहे हैं तो वी एवरेज एवरेज वेलोसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना लग जाएगा टाइम ठीक है और अगर अपन ये देखें तो यहां से यहां तक अगर मैं ये बोलू यहां से यहां तक अगर अपन बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ए डी अपॉन लगने वाला टाइम अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा ए डी डिस्प्लेसमेंट ये डिसप्लेसमेंट कितना रहेगा सीधा सीधा किसके बराबर रहेगा 50 अपॉन अपने को टी कैलकुलेट करना है टी कैलकुलेट करने के लिए अगर अपन देखें तो अपने पास यहां पर अपन जा कितने से रहे हैं इधर से इधर से इधर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 150 मीटर तो अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई है डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 150 अपना हो गया है मीटर और इस पर जा कितने से रहे अपन अपने पास इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर अपन बात करें तो स्पीड अपनी कितनी हो जाएगी दैट विल बी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ठीक है

अगर अपन यहां पर देखें तो वी एवरेज 50 अपॉन ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 10 तो ये बन जाएगा अपने पास कितना 5 मीटर पर सेकेंड क्या बात समझ में आ रही है तो अपने पास इस क्वेश्चन का 24 का आंसर रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड विल बी द एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ठीक है तो इधर यहां पर अगर अपन देखें तो रिजल्ट रहेगा अपना 5 मीटर पर सेकंड 24 का आंसर नंबर रहेगा 1 चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 25 पर 25 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्लाइड्स डाउन 1 बाई फोर्थ ऑफ प्लेन लेंथ इन टू सेकंड इट विल स्लाइड डाउन द कंप्लीट प्लेन इन टोटल टाइम एक वस्तु एक चिकने नत्तल पर नीचे की ओर गति करती है यह नत्तल की एक बटे चार लंबाई को दो पर सेकंड में तय करती है तो संपूर्ण नत्तल पर से नीचे आने में लगा समय होगा संपूर्ण नत्तल से नीचे आने में लगा समय तो उसके लिए अगर अपन बात करें तो ये रहा हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन एक इंक्लाइन प्लेन पर हमारे पास ये रहा ऑब्जेक्ट ठीक है और अगर कुछ पेंशन नहीं कर रखा तो अभी अपन अपनी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको अपन जीरो कर लेते हैं ठीक है दीखे? और यहां से ये स्लाइड करते हुए अगर ये नीचे मूव करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा एक्सेलरेशन विल बी टू तो थीटा जहां पर थीटा जो है ये एंगल क्या रहेगा एंगल ऑफ इंक्लाइन रहेगा अब ये अपने पास की लेंथ जो है ये पूरी लेंथ एल है तो अपने को ये बोला हुआ है कि एल बाई फोर लेंथ ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है अपने को टू सेकेंड ठीक है और उसके बाद तो टोटल लेंथ ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसके लिए अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं एस टू हमारे पास यूटी प्लस हमारे पास ये हो गया वन बाई टू स्क्वायर जिसमें अपन चलते हैं पहले डिस्टेंस कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी दो सेकेंड का स्क्वायर ठीक है और अपने को ये पूछा हुआ है कि पूरी इंक्लाइन को अगर अपने को करना है तो इसमें टाइम अगर अपने को टी लग रहा हो तो वापस से यही इक्वेशन यूज करते हैं पूरा इंक्लाइन को टाइम जो लगेगा जीरो प्लस 1/2 ये हो जाएगा मेरे पास कौन g sin थीटा क्या हो जाएगा अपने पास t स्क्वायर क्या पास वन में रही है ठीक है तो डिवाइडिंग दीस इक्वेशंस इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन डिवाइड करें तो इधर बन जाएगा l/4 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास l दैट इज 1/2 g sin थीटा से 1/2 g sin थीटा कैंसिल ऊपर बच जाएगा तुम्हारे पास 2 स्क्वायर अपॉन नीचे बन जाएगा अपने पास कौन t स्क्वायर

26 पर, 26, 26 अपने को ये बोल रहा है दैट ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू द अकाउंट द टाइम ऑफ असेंट इज टीवन एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज टी टू टाइम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ठीक है एक वस्तु वायु में उध्वादर ऊपर की ओर प्रक्षेपित की गई है जब वस्तु का वस्तु पर वायु का प्रतिरोध का प्रभाव वायु प्रतिरोध का प्रभाव माना जाए तो वस्तु को ऊपर जाने में लगा समय T1 तथा नीचे आने में लगा समय T2 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा ठीक है तो अपने को यह बताना है यहां पर देखें एक ऑब्जेक्ट को अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया है ठीक है से मैंने इसको यू से प्रोजेक्ट किया है तो अपन जानते हैं कि ऊपर तक जाने में यहां पर अगर अपन टाइम की बात करें तो टाइम यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी दैट विल बी जीरो फाइनल जीरो है तो अपन ऊपर जाने में लगने वाला टाइम जो टी वन है वो अपन अगर बोले तो, तो, तो अपने पास क्या वीगल ए टी से यहां पर जीरो तुम्हारे पास u माइनस ये क्या रहेगा g इंटू क्या हो जाएगा t1 तो अपने पास t1 की वैल्यू अगर अपन एयर को कंसीडर नहीं करते हैं तो ये कितना रहता है u बाई जी और अपन जानते हैं कि ऊपर जाने में लगने वाला टाइम और नीचे आने में लगने वाला टाइम क्या रहेगा बराबर रहेगा ठीक है तो अब अपने पास पास सिचुएशन ये है है कि टी जिकस तो यू बाई जी, जब आपके पास पार्टिकल विदाउट एयर फ्रिक्शन मूव कर रहा वायु के प्रतिरोध को नहीं मानते हुए वायु प्रतिरोध को नहीं मानते हुए गति जब हो रही है तब टोटल टाइम जो रहेगा टू यू एयर का इफेक्ट कंसिडर करना है तो जब ऑब्जेक्ट यहां पर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है

एयर फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इफेक्टिवली यहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यहीं पर देखें अगर, अगर अपन तो जी इफेक्टिव कम हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो टी वन की बात करें तो टीवन तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और टी टू की बात करें तो इफेक्टिवली टी टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा नीचे आने में लगने वाला टाइम जो हो जाएगा दैट विल इंक्रीज तो अपने पास सिचुएशन रहेगी बी लेस देस देने Sir, 26 चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 27 अपने को ये बोल रहा है कि ए ट्रेन इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स इंजन पास ए पोल विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आर फाइन एंड इट्स एंड इट्स एंड व्हिच इज गार्ड्स वेन ठीक है पासिस अक्रॉस द सेम पोल विद वेलोसिटी ऑफ एटी किलोमीटर पर आर ठीक है गार्ड की बिंद जो है वो एटी किलोमीटर पर आर से उसी खंबे के समीप से गुजरती है तो ट्रेन का मध्य बिंदु तो उस खंबे को कितने आ, 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 पार करने करते समय उसका वेग होगा ठीक है तो देखते हैं ये अपने पास हो गया वो पोल और ये अपने पास हो गई ट्रेन ठीक है जब यहां से ये पहला पॉइंट से पास हो रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आर ठीक है जब ये एंड सीरा यहां से पास होगा उसी जगह से तो इसकी स्पीड उस टाइम पर कितनी हो जाती है इसका एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है और यह हो जाता है एटी किलोमीटर पर आवर तो बेसिकली हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करें तो रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग अभी अपने पास यहां पर इसकी लेंथ कितनी है अपन ट्रेवल कर रहे हैं कितनी लेंथ लेस से एल और अपने को ये पॉइंट पूछा हुआ है कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा वो इसी पोल से पास होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ठीक है ये पॉइंट पूछा गया तो यहां पर अगर अपन देखें तो ट्रेन की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है और अपन यहां से यहां तक, यहां तक ये

तो V की बात करें अगर अपन तो 100 अपॉन कितना बन जाएगा ये रूट टू इसको डिवाइड करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो 100 अपॉन रूट टू बनेगा वन बाई रूट टू की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट सेवन जीरो करना है हंड्रेड तो ये बन जाएगा अपने पास कितना किलोमीटर पर, पर आर एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें अपने पास रिजल्ट जिर, जो रहेगा किलोमीटर पर आर 70.7 किलोमीटर पर आर 27 का जो आंसर रहेगा दैट आंसर विल बी टू चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 28 पर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 12 मीटर इन थर्ड सेकंड ऑफ इट्स मोशन एंड 20 मीटर इन फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स मोशन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द टेंथ सेकंड ठीक है एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु गति के तृतीय सेकंड में 12 मीटर तथा पांचवें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है 10 सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग होगा ठीक है इसके लिए बात करनी है तो वापस से हम हम ये जानते हैं कि एन सेकंड सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है डेल्टा एस एन वो क्या होता है यू प्लस ए बाई टू क्या होता है टू एन माइनस वन ठीक है अभी अपने को की थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जा रही है ट्वेल्व की जा रही है तो ये थर्ड सेकंड में फाइव तो से, तो आप इस इधर की अगर बात करें तो फिफ्थ सेकेंड में ट्वेंटी मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है तो फिफ्थ में ये हो गया ट्वेंटी मीटर दैट इज इक्वल्स टू यू प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कितना ए बाई टू और फाइव ये ये कितना हो जाएगा? Nine. तो गिवन के अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेट हैं अपन अपन ने. अब अपने बात करते हैं कि यहां से, ए और यू की से इसको, करूंगा. इस में से इसको करूंगा, तो यू कैंसिल अपॉन टू दैट इज ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास आठ बीस माइनस बटा कितना हो जाएगा आठ ये बन जाएगा मेरे पास दो टू be इक्वल टू एट और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी फोर ए की वैल्यू अपने पास फोर इंटू फाइव ट्वेंटी ये बन गया टू टेन तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी टू मीटर पर सेकेंड ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन यहां पर बात करें तो अपने को यह बोला हुआ है कि दस सेकेंड के पश्चात वस्तु का वेग होगा तो दस सेकेंड के पश्चात की बात करनी है तो अपने को एस टेन कैलकुलेट करना है और आ, वस्तु का सॉरी वेलोसिटी पूछा हुआ है

9 question number 29. A train accelerating uniformly from rest attains maximum speed of 40 meter per second in 20 seconds. Okay. It travels at this speed for 20 seconds and brought to rest uh, with an uh, a uniform retardation in next 40 seconds. ठीक है वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड विरामावस्था से त्वरित एक ट्रेन 20 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड का अधिकतम वेग प्राप्त करती है ठीक है और इस ट्रेन यह ट्रेन इस चाल से 20 सेकंड तक गतिशील रहती है तथा अंत में एक समान मंद द्वारा अगले 40 सेकंड में विरामावस्था में आ जाती है ट्रेन का संपूर्ण अंतराल में औसत वेग होगा ठीक है अपनी को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और अभी अपने पास जो सिचुएशन है उसके लिए बात करें तो आगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस अगर करने हो तो अपन ग्राफ बनाएंगे अपने 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 पास पास ये ये रहा रहा v इधर कौन है टी, और अपने को ये है t और को यूनिफॉर्म फ्रॉम रेस्ट बोल रखा है तो पार्टिकल की मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी ठीक है तो अब अप आगे अपने को जो जो बोला हुआ है उसको अपन मैप करते हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेरेशन में वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होके इसने बोला हुआ है कि 20 सेकंड में

डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या रहेगा टोटल टाइम तो टोटल टाइम तुमको दिख रहा है कितना हो गया है 80 हो गया है 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 ठीक अब आगे यहां पर अपने को ये पता करना है, train गई है और अपने को को पता पता करना करना गई और कि total displacement कितना है? तो अपन जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम कर्व जो रहता है उसका एरिया अंडर द कर्व जो रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इस कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है वो अपने पास बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पार्टिकल अभी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आपको आपका पार्टिकल जो रहेगा वो यूनिफॉर्म एक्सिलोशन मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन रहेगी तो उस टाइम पर आपके पास वेलोसिटी और स्पीड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड क्या रहेगी सेम रहेगी इधर इसके एरिया की बात करूं तो हाफ बेस इनटू हाइट तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 40 ये बन जाएगा 800 800 का आधा जो बन जाएगा ये मेरे पास कितना बन जाएगा दिस विल बी 400 इसका एरिया जो कवर हो जाएगा वो कितना हो ट्वेंटी इंटू फोर्टी दिस विल बी कितना हो जाएगा मेरे पास 800, वापिस. ये पास 40, ये ये गैप कितना और हाइट हाइट कितनी है हाफ बेस की अगर अपन बात करें तो चालीस चालीस और उसका आधा तो ये भी, ये भी कितना बन जाएगा पास? 800. तो, particle, 800, 800 400, so, और चार बीस दिस विल बी टू थाउजेंड

एक गुब्बारा 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर गतिशील है जब यह 70 मीटर ऊंचाई पर होता है तब इससे एक वस्तु छोड़ी जाती है जी बराबर दस दे रखा है हमने को तो वस्तु द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय होगा ठीक है तो ये अपन ले, ले लेते हैं अपने पास कौन है ये रहा बलून ठीक है बलून ये हो गया और इस बलून की अभी अर्थ से हाइट जो है वो हाइट कितनी है दैट इज सेवेंटी ठीक है इससे एक ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ है अभी 25 या इससे कोई चीज रिलीज हुई है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से अलग हो रखा होता है तो उसकी उस अलग होने वाले ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की क्या रहेगी सेब रहेगी कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट की या ये पैकेट जो रिलीज हुआ है इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वो बलून की वेलोसिटी की क्या रहेगी सेम रहेगी और ये बन जाएगा मेरे पास कितना दिस इज 25 मीटर पर सेकंड ठीक है तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास हो गई 25 25 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव कंसीडर करें तो u हो गया तुम्हारे पास प्लस

टाइम टेकन दैट इज सेवन सेकेंड थर्टी का आंसर रहेगा आपके पास कितना थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी आंसर नंबर थ्री दैट विल बी टाइम टेकन टू रीच ऑन द ग्राउंड बाई द पैकेट विल बी इक्व टू सेवन सेकेंड चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या बोलता है ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट मूव अलोंग एक्स एक्सेस इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज एज टू फाइव टी प्लस सिक्स मीटर

टी प्लस कितना हो जाएगा सिक्स यहां से अगर देखें तो अपने पास डी वी जो बन जाएगा वो बन जाएगा तो वेलोसिटी कहां से किस तरह से इसकी पार्टिकल की चेंज हो रही है उसके लिए अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी इंटीग्रेशन जीरो से क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो और वेलोसिटी लेस से वी है यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो इस टाइम पर टाइम

ये एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है जिसमें अपने पास जो इनिशियल कंडीशन यहां पर प्लस सी जो आना था उसकी वैल्यू क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से शुरू कर रहा है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी वापस से फाइव टी स्क्ट टू और ये बन जाएगा सिक्स टी अब इसको मैं सकता हूं दिस विल बी डी एस क्या हो जाएगा

ठीक है पर इंटीग्रेशन अगर अपन करते हैं तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपने कैलकुलेट है? है, करनी है उसकी वैल्यू अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल पोजिशन जीरो और आपको टाइम जो बोल रखा है, तो है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आई है जहां पर अपन वेलोसिटी की टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं आगे इस से। इसका इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर जो बनेगा वो इधर तो बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ये बन पास कितना? 5 2, ये t का हो जाएगा हमारे टी जाएगा थ्री और टू ठीक है और लिमिट हो गई जीरो से लेके टू तक तो अपना जाएगा ये कितना टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा थ्री टी पर टी की जो वैल्यू है वो कहा है जीरो से लेके टू लिमिटर पुट करेंगे लिमिट हमारे पास ये बन फाइव बाई सिक्स इधर हो गया तो हमारे पास टू क्यूब तो ये बन जाएगा एट प्लस ये बन जाएगा मेरे पास थ्री और टी मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कितना है दिस इज टू स्क्वायर टू स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर यहां पर अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा अपने पास कितना दिस इज वॉट ये गया चार बार ये जाएगा अपने पास कितना तीन बार इधर ये बन जाएगा मेरे पास प्लस ट्वेल्व फाइव एंड फोर

अपने पास 18.66 मीटर तो 31 का आंसर नंबर नंबर बढ़िया क्वेश्चन एक पूरा है हो, तो क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर थर्टी पर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिचुएशन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम कार फॉर पार्टिकल्स पी एंड क्यू

या विस्थापन समय वक्र का जो ढाल होता है वो क्या होता है वेलोसिटी होता है तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये है अपने पास पी और पी के लिए अगर, अगर अपन स्लोप की बात करें तो स्लोप जो होता है स्लोप स्लोप दैट इज इक्वल्स टू थीटा और यहां पर अगर, अगर अपन पी के लिए बात करें तो पी के लिए स्लोप हमारे पास थीटा की वैल्यू है ज्यादा है आगे अपन और बात करते हैं तो यहां पर क्यू के लिए स्लोप जो रहेगा ओरिजेंटल से इसका बनने वाला एंगल जो रहेगा थीटा वो क्या रहेगा कम है तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं दैट स्लोप For, P is greater than slope, slope for q पी displacement time देन ka jo slope और hai usko velocity का जो to होता है उसको kya बोलते हैं तो vp पास क्या बन जाएगा kya ho jayega vq theek हो जाएगा number 1 ठीक है point number one. से, अगर अपन यहां पर बात करें तो P इज accelerated नहीं ये स्लोप हर जगह पर क्या है constant है हर पॉइंट पर अगर अपन बात करें तो इस मोशन के हर पॉइंट पर ये स्लोप जो रहेगा वो maintain रहेगा ठीक है कहने का मतलब स्लोप यहां पर चेंज नहीं हो रहा है स्लोप यानी कि ये थीटा जो है वो स्ट्रेट लाइन के लिए हर पॉइंट पर थीटा कॉन्स्टेंट है कहने का मतलब क्या हो रहा है कि स्लोप चेंज, चेंज, चेंज नहीं हो रहा है तो यहां पर पी और क्यू दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और स्लोप वेलोसिटी ऑफ पी इज ग्रेटर रहेगी कहने का मतलब P और Q क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पर, पर कांस्टेंट है VP VP आपके पास क्या रहेगा? ठीक है इसी स्ट्रेट लाइन पर यहां पर भी बात करें तो इस पर भी हर जगह पर स्लोप कांस्टेंट है हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप जो होता है वो क्या है, पास? आ, है तो वी क्यू विल ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट ठीक है अब इसका स्लोप ज्यादा है तो यहां से अपन ये बोल रहे हैं कि वीपी ग्रेटर पढ़ते हैं क्या है P इज एक्सलरेटेड तो ये मामला गलत हो गया यहां पर बोध पी एन क्यूव विद यूनिफॉर्म इक्वल स्पीड तो इक्वल स्पीड से नहीं जा रहे हैं ज्यादा तेज चल रहा है ये भी गलत हो गया आगे वाले की बात करते हैं बोथ P and Q moves with speed. ठीक है। पी तथा Q दोनों नियत चाल से गतिशील है ठीक है नियत चाल अपन जान रहे हैं कि ये भी कॉन्स्टेंट और ये भी कांस्टेंट है परंतु P की चाल Q की Q की चाल से अधिक है यानी कि स्पीड ऑफ P इज मोर देन स्पीड ऑफ Q ये अपना रिजल्ट है दैट इज दिस

और उसका स्लोप क्या होना चाहिए नेगेटिव इनमें से ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस तो क्या है पॉजिटिव है और उसका स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म अगर अपन यहां पर बात करें तो स्लोप हमेशा माइनस जी बना रहेगा माइनस जी का मतलब स्लोप पूरे पाथ के लिए क्या हो सेम बना रहे तो ये जो कर्व बन रहा है ये कर्व अपने पास क्या रहेगा इसका स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहेगा नेगेटिव क्योंकि थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है नाइनटी डिग्री से ज्यादा है और अगर अपन यहां पर बात करें तो अब वेलोसिटी के लिए पूछा है आपको

जितने से फेंका है उतने से ये वापस आएगा बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो अगर अपने को ये पूछा हुआ तो इसकी वैल्यू अगर यू है तो ये जो लोकेशन रहेगी इसकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी दैट विल बी माइनस यू आर यू दिस पॉइंट ठीक है चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्या बोलता है अपने को, चलते हैं Okay? समीकरण द्वारा दिया जाता है यदि जीरो पर की एक्स जीरो हो, तो कण का इकाई समय के पश्चात विस्थापन होगा ठीक है तो ये आपने को v हम ये जानते हैं कि v क्या होता है अपने पास ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी जो बन जाएगा अपने पास वी जीरो प्लस ये हो जाएगा मेरे जी टी प्लस ये हो जाएगा एफ टी है जिसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो डी एस ये हो जाएगा मेरे पास कितना वी नॉट प्लस ये बन जाएगा जी टी प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा एफ टी है और अपने को ये पूछा हुआ है कि टाइम इसको अगर अपन इंटीग्रेशन को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे तो पास डी टी डीएस कैलकुलेट करना है यहां पर मैं इस इक्वेशन को इसलिए यूज कर रहा हूं

ये हो जाएगा मेरे पास dv जो बन जाएगा कितना थ्री टी, प्लस टू टी प्लस चल गया मेरे पास टू और यह बन जाएगा अपने पास कितना dt कोई इश्यू नहीं dt की अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है जीरो से लेके टू तक तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन जीरो से लेके टू तक जब वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज होगी

प्लस ये बन जाएगा अपने पास कौन टू टी यहां पर लिमिट चलेगी अपने पास कहां से कहां तक जीरो से लेके दो तक कोई दिक्कत इसमें नहीं तो यहां से अगर अपन बात करते हैं तीन से तीन ये दो से दो और अब अप अपन यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो उधर लिमिट क्या बनेगी दिस विल बी वी माइनस टू दैट विल बी बीवस टू टी क्यूब यानी ये बन जाएगा तुम्हारा दो का क्यूब कितना हो जाएगा आठ प्लस ये हो गया दो का स्क्वायर ये बन जाएगा चार प्लस ये बन जाएगा तुम्हारे पास दो इंटू दो वापिस से चार और लोअर लिमिट अपनी जीरो है तो अपने को वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है

The position of a particle is given by x का का एक कण समीकरण के द्वारा दिया जाता है पर x मीटर में तथा t सेकंड में है तो कण द्वारा प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी होगी एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको लोकेशन मेंशन करके रखी हुई है और इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है x क्या बोल रखा है तुम लोग को t 2 बोल रखा है ठीक है उसका होल स्क्वायर है तो लेट अस कंसीडर पार्टिकल शुरू कर रहा है अपने पास मोशन तो इसके लिए अगर सिचुएशंस की बात करें तो ये x तुम्हारा क्या हो गया 0 अगर मैं इस इक्वेशन में t 0 पुट करता हूं तो t 0 तो x लोकेशन क्या बन रही है तुम्हारी t 0 तो कितना बनेगा ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो t 0 टाइम पर पार्टिकल पहले से कहां पर है

कहने का मतलब t जिकल्स टू फोर सेकेंड जब होंगे तब पार्टिकल की लोकेशन क्या हो जाएगी दैट विल बी 36 मीटर आपको ये पूछा है पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी कवर करी है पार्टिकल कहाँ था यहाँ पे था पार्टिकल कहाँ चला गया यहाँ चला गया तो ये कितना हो गया डिस्टेंस दैट विल बी 36 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास फोर जो बन जाएगा कितना थर्टी मीटर थर्टी मीटर नन एक सिंपल क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन जिसमें आप ये सोचे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या करना है कुछ नहीं करना है सिंपल ये सिंपल एकदम लोकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आंसर विल आफ्टर टेन सेकंड जानते हैं अभी आपको इनिशियल वेलोसिटी रखी है और ये यू वेक्टर दे रखा है

तो आप ये ध्यान रखिए ये वेक्टर फॉर्म में भी अपने इस को कर सकते हैं और अपने पास यहां पर टाइम कितना है टेन सेकेंड तो इसको अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना प्लस ये हो गया 4j, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा टेन को तो ये हो जाएगा फोर आई प्लस क्या चल गया तुम्हारा थ्री जे इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा दिस इज थ्री आई फोर आई कितना हो जाएगा सेवन आई प्लस फोर जे थ्री जे ये कितना हो जाएगा सेवन जे सेवन आई प्लस सेवन जे जिसके अकॉर्डिंग अपर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें आपको ये पूछा है कि स्पीड क्या है तो स्पीड क्या होता है का विल बी, 7 2 अगर अपन बात करें, तो ये रहेगा अपना ऑप्शन नंबर टू थर्टी सेवन का आंसर नंबर रहेगा आंसर नंबर टू देवन रूट टू मीटर पर सेकेंड और इट विल बी यूनिट सेवन रूट टू सिंपल क्वेश्चन चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर थर्टी एट पर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट

एफ डॉट डी एफ डॉट एस जबकि फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो यहां पर देखिए अपन फोर्स ये चल रहा है तुम्हारा कौन पांच आईके कैप प्लस क्या हो गया ये तीन कैप प्लस ये हो जाएगा अपना कौन दो के अपन डिस्प्लेसमेंट

जहां पर कैपिटल टी जो है वो क्या है अपने पास ट्रेवल टाइम है उड़ियन काल है तो देखते हैं ये चला अपने पास सिचुएशन की ये रही सिचुएशन एक पार्टिकल को ऊपर फेंका जाता है यू से एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये ये कोई पर्टिकुलर हाइट है एच तो ये पार्टिकल यू जाके किसी पर्टिकुलर हाइट से इस पर्टिकुलर हाइट पर एक बार तो होगा जाते टाइम पर ये टाइम हो गया तुम्हारा टी और एक बार होगा ये यहाँ पर आते टाइम पर ये टाइम अपने पास क्या हो गया टी टू क्या बात सुन ना रही है किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं तो आपको यह बताना है कि इन t1 और t2 का टोटल ट्रैवल टाइम से क्या रिलेशन होगा टोटल ट्रैवल टाइम पार्टिकल के जाके आने की जब अपन बात करते हैं द तो टोटल ट्रैवल टाइम विल बी इक्वल्स तो टू 2u अपॉन क्या होता है g u g आने का u g जाने का देखिए तो हमारे पास टोटल ट्रैवल टाइम 2u अपॉन g रहता है अब अपन यहां पर बात करें कि पार्टिकल यहां से u से गया कहने का मतलब इस लोकेशन पर अगर अपन पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी प्लस h क्या पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक है जिसके अकॉर्डिंग अपने पास ये s हमारे पास हो जाएगा ut प्लस ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 at2 ठीक है

जी दैट विल बी टू क्या होता है मेरे पास जीरो ठीक है इक्वेशन समझ में आ रही है अब यहां पर अपने को ये पता है कि इसके दो रूट होने हैं और दो रूट में से एक रूट जो रहेगा वो कौन रहेगा अपना T1 रहेगा और दूसरा रूट जो रहेगा वो कौन रहेगा अपना टी टू रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन है और का के लिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स टी वन प्लस टी टू सम होता है माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा ए

तो यहां से घूम के यहां तक टी टू टाइम और वापस इस टी टू से यहां आने में ये जो टाइम लगा है विल विल बी बी तो T2 T1 तो टोटल टाइम फाइन इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं चलते स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन विदाउट फ्रिक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल From time फ्रॉम टाइम टी एन माइनस वन टू टी एन दर्शन विही गुटका विराम से नीचे की ओर फिसलता है, करता है यदि एस एन हो तो एस एन अपॉन एस एन प्लस वन का मान क्या होगा ठीक है पहले तो ये जब बात करते हैं कि जो मामला दे रेखा है वो क्या है एस एन क्या है एस एन इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एन माइनस वन टू एन एन माइनस वन टू एन का मतलब ये है कि एनएच सेकंड जो है भाई से दस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो कौन सा हो गया दसवें सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट तो बेसिकली अपने पास S -n की अगर अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सलोरेशन डिस्प्लेसमेंट इन एन एच दैट विल बी यू प्लस तुम्हारा हो जाएगा ए बाई टू क्या होता है अपने पास टू एन माइनस वन

बट अगली बात ये है कि आपको एस एन प्लस वन बोला है एस एन प्लस वन का मतलब ये है कि यह एनवे सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट है तो एस एन प्लस डिस्प्लेसमेंट रहेगा एन प्लस में होने वाला जो लिखेंगे तो इस इक्वेशन में अपन क्या क्या करेंगे की जगह पर पर कर देंगे जैसे ठीक है यहां पर ये हो जाएगा u प्लस ये हो गया मेरे पास कौन a बाई टू ये चल जाएगा अपना टू ये हो जाएगा n प्लस वन माइनस हो गया अपना वन जिसमें ये u ये भी हो गया जीरो और ये भी हो गया जीरो तो अब देखो जो चीजें कैलकुलेट करनी है एस एन अपॉन ये चल जाएगा अपने पास एस एन प्लस वन दैट विल बी फर्स्ट टू ये चल जाएगा तुम्हारा ए बाई टू टू एन माइनस वन और इधर अगर टू एन माइनस वन इधर हो जाएगा तुम्हारे पास ए बाई टू दिस विल बी ये चलेगा हमारे तो पास टू एन प्लस टू माइनस क्या हो जाएगा वन टू एन प्लस टू माइनस वन ठीक है तो इसको अगर अपन देखें तो ए बाई टू से ऊपर बच जाएगा तुम्हारे तो पास कौन टू एन माइनस वन अपॉन ये प्लस टू माइनस वन प्लस वन ये हो जाएगा टू एन प्लस वन तो हमारे पास एस एन अपॉन एस एन प्लस वन जो रहेगा टू एन प्लस वन देखते हैं ऑप्शन में क्या चल रहा है 2n एन प्लस वन 2n टू एन माइनस वन टू नहीं 2n एन माइनस वन 2n टू एन प्लस वन टू एन माइनस वन अपॉन टू का आंसर रहेगा आंसर नंबर थ्री चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पर फोर्टी वन क्या बोल रहा है फोर्टी वन ए ट्रेन इज मूविंग एट फाइव मीटर पर सेकेंड And and another train is move uh, train B is moving at 30 meter per second on the same track on the rear side of train A. At some sufficient distance, at some sufficient sufficient distance, the driver in train B applied brakes to avoid the collision. If the retardation due to the brakes is 4 meter per second square, the time in which the accident is avoided after the application of brakes, okay, very good. एक रेलगाड़ी A पांच मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है, एक अन्य रेलगाड़ी B उसी पथरी पर A के पीछे तीस मीटर प्रति सेकंड से पर्याप्त दूरी पर है, पर्याप्त दूरी का मतलब एक्सीडेंट नहीं होने टाइप की कंडीशन है, ठीक है?

A, चल रही है पांच से फाइव से, मीटर पर सेकेंड से ठीक है और अगर, अगर, अगर अपन यहां पर बात करें तो ये है अपने पास कौन ट्रेन बी और ये चल रही है कितने से तीस मीटर पर सेकेंड से ठीक है क्या बात समझ में आ रही है क्या पॉइंट समझ में आया तो अब या तो मैं इसको रिलेटिव से सॉल्व कर लूँ या इसको अपन सिंपल तरीके से समझते हैं सिंपल तरीके से समझने का मतलब अगर, अगर अपन यहां पर देखें कॉलिजन की जब बात करनी है

और ये बी इसके पास में पहुंचे जिसके लिए अपने को बोल रखा है कि देर इज सफिशियंट डिस्टेंस ठीक है बी इसके पास में पहुंचे उससे पहले पहले इस बी की वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो अगर फाइव मीटर पर सेकेंड हो जाए कहने का मतलब बी का जो रिटार्डेशन हो रहा है बी की फाइनल वेलोसिटी ए की अगर बराबर हो गई तो दोनों ट्रेन पांच मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम सेम हो गया कहने का मतलब अब दोनों एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेगी तो कोलिजन अवॉइड करने की कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि ये बी जो है जो तीस से चल रही है अगर इसकी वेलोसिटी रिड्यूज होकर इसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो दोनों अब साथ में जा रही है अगर ये दोनों ट्रेंड्स जो है ये साथ में ऐसे जा रही है ठीक है और दोनों की वेलोसिटी सेम है तो अब इन दोनों के बीच में कभी भी कोलिजन नहीं होगी ठीक है तो अपने को क्या कंडीशन पुट करनी है इसका रिटार्डेशन अपने को दे रखा है दैट इज मीटर पर स्क्वायर जबकि इसकी 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 जो अपने को फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है अपने को कितनी चाहिए पांच चाहिए ताकि कॉलेजन नहीं हो तो बी बी पर अपन लगा देते हैं वी जिस्ट्रो अपने पास क्या है यू प्लस ए टी ठीक है जिसमें फाइनल वेलोसिटी बी की कितनी चाहिए अपने को पांच चाहिए चल कितने से रहा है ये कितने से चल रहा है

मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट इन दोनों का कॉलिजन अवॉइड किया जा सके तो डिस्टेंस का भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है ठीक है पर अपने को ये अभी क्वेश्चन में ये बोल रखा है दैट आर एट सफिशिएंट डिस्टेंस कहने का मतलब ये बोल रहा है कि हाँ भाई आपको जितनी डिस्टेंस चाहिए उतनी अवेलेबल है आप तो टाइम बताओ आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ठीक है तो एक बढ़िया क्वेश्चन है कॉलिजन अवॉइड करने का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे तब उनकी कॉलिजन जो होगी वो अवॉइड की जा सकती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पर चलते हैं If F1 and F2 are two two vectors of equal magnitude F, such that F1 dot F2, that is equals to F1 plus F1 cross F2 vector, then magnitude of F1 vector plus F2 vector it is per vector is uh, vector is. Printing mistake <coughs> That is, then if F1 and F2 are two vectors of equal magnitude, then such that F1 vector dot F2 vector, that is the given condition. तो आपको ये बताना है कि ये कितना हो जाएगा ठीक है तो चलते हैं क्वेश्चन पर बात करते हैं क्या बोल रहा है ये। हम लोग को ये बोला हुआ है तो एफ वन डॉ एफ टू क्या लिख सकते हैं अपने गया आपने पास तो ये हो जाएगा मेरे पास इधर एफ वन एफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन क्रॉस एफ टू क्या होता है दैट इज साइन थीटा ठीक है

ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है आप इसको समझ सकते हैं नेक्स्ट चलते हैं व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर देखिए है सार्वत्रिक गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा हम जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है हमारे पास एन आर टी पी जो रहता है पी डेल्टा वी जो होता है वो वर्क डन होता है उसके अकॉर्डिंग पी की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी वर्क डन दैट इज जूल इधर एन जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसकी यूनिट होती है मोल आर की यूनिट अपने को पता करनी है और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कौन कैलबिन तो आर की अगर अपने को यूनिट चाहिए तो ये बन जाएगा जूल पर मोल इन क्या हो जाएगा ये येलबिन जूल पर मोल आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ठीक है तो आर के लिए डायमेंशन जो रहेगा और यूनिट जो रहेगा दैट इज जूल पर मोल बाकी वॉट न्यूटन पास्कल जूल पर मोल केल्बिन 43 का आंसर रहेगा 3 चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर ए स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम हाइट एच एट एच बाय 2 पोजीशन इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड देन व्हाट विल बी एच ओके फाइन एक वस्तु एच ऊंचाई से छोड़ी जाती है यदि एच बाय 2 स्थिति पर उसका वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो एच का मान क्या होगा ठीक है तो सॉल्व करते हैं मुद्दा क्या बोल रहा है अपने को द पॉइंट इज ये हमारे पास हो गई लेस से एच हाइट नहीं है और यहां से ऑब्जेक्ट को अपन ड्रॉप कर रहे हैं यानी कि यू की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास जीरो

जी e और ए e हो गया अपने पास एच बाई टू ठीक है टू से ये अपना टू कैंसिली की वैल्यू अगर पुट करें तो जी की वैल्यू अपने पास हो जाएगी? 10. 10 से 10 तो H की कितनी हो जाएगी पास? 10 चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर फोर्टी फोर का आंसर रहेगा टू टेन मीटर पर सेकेंड सॉरी टेन मीटर हाइट फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी

ऑप्शन रहेगा दैट आंसर विल बी वन ट्रू चलते हैं अपन 46 पर 46 द यूनिट ऑफ इंपल्स पर यूनिट एरिया इज सेम एज दैट ऑफ प्रति इकांक क्षेत्रफल पर आवेग का मात्रक किसके समान होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेग आवेग जो होता है या इंपल्स जो रहता है इंपल्स आपको बोला है इंपल्स पर यूनिट एरिया इंपल्स होता है हमारे पास कौन एफ ये चल जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा टी अपॉन अपने पास कौन है ये एरिया तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर तो बेसिकली आपको इंपल्स पर यूनिट एरिया की अगर अपन बात करें तो एक तरह से ये क्या बन रहा है है हमारे पास आ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ठीक इनमें से अगर अपन चलते हैं कॉपिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं तो कॉपीशेंट ऑफ विस्कोसिटी कहां से कैलकुलेट करेंगे इसको चलो आ, अगर अपन इनकी बात करते हैं चलो सर्वेश टेंशन की बात करते हैं तो सर्विस टेंशन क्या होता है टी अपने पास क्या रहता है एफ अपॉन एल तो ये रहेगा तुम्हारे तो पास न्यूटन पर मीटर तो ये तो नहीं होना है आयतन आयतम गुणांक या अगर अपन बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारे पास is, uh, B तो पास दैट इज ये बन जाएगा तुम्हारे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई क्या रहेगा वी माइनस आएगा जिसमें ये हो जाएगा मेरे पास वी दिस विल बी डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी ये इक्वेशन ये रहती है बल्क मॉडुलस के लिए अगर अपन डेल्टा पी की बात करें तो डेल्टा पी विल बी बी, वी बाई बी। तो से यूनिट्स कैंसिल और बुल्क जो रहेगा वो प्रेशर के सेम रहेगी फोर्स पर यूनिट एरिया टाइप से रहेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी नहीं होना है अब अपन बात करते हैं शांता विस्कोसिटी को लेकर चलते हैं तो उसके लिए अपन चलेंगे इधर की

अभी अगर अपन बात करते हैं तो आप यहां पर ये यह देखें यूनिट न्यू यूनिट ऑफ लेंथ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ को मैं बोल देता हूं लेस से ये वन मीटर डैश है नई यूनिट क्या है पास मीटर डैश पहली वाली यूनिट कौन सी है दैट इज मीटर पहले वाली यूनिट मीटर है और अब जो नई यूनिट लिख रहे हैं वो क्या है मीटर डैश है तो आपको ये ये बोला हुआ है न्यू यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज इट इज इक्वल टू ये कितना बोला है तुमको x मीटर के बराबर है

जो पद्धति अपन ने मानी है उसमें इसका जो परिमाण रहेगा वो x की घात -2 हो जाएगा 48 48 इफ अ वेक्टर दिस इज 3i plus 4j λk के इस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस मच देन वैल्यू ऑफ λ विल बी यदि ये सदिश इस सदिश के लंबवत हो तो λ का मान क्या होगा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा तो इनका और इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैं बोलता हूं ए वेक्टर डॉट क्या हो गया मेरे पास बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अपने को करना है जीरो तो इधर थ्री इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व इधर मेरे पास कितना है दिस विल बी प्लस कितना हो गया तुम्हारा माइनस का थ्री प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कौन लेमडा इंटू यहां पर कौन है अपने पास वन और इनका डॉट प्रोडक्ट एज दीज आर परपेंडिकुलर ये क्या रहेगा जीरो

आप ये बोल सकते हो कि माइनस सिक्स में भी तो कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं वो भी करके देख लेंगे तो ये बन जाएगा टू पावर माइनस फाइव ये एक डेसिमल इसमें आगे चला जाएगा अगर मैं इन दोनों को आफ्टर एडिंग यानी कि मैं ऐड करता हूँ बी प्लस परफॉर्म करूं तो आपके पास कितना टेनरे माइनस तो क्या हो जाएगा कॉमन ठीक है और इधर बन, जाए, बन जाएगा हमारे पास कितना 4.2 और 4.2 सॉरी no, 2 और 3 ये बन जाएगा मेरे पास कौन 5 और ये बन जाएगा अपने पास 8 अगर इन दोनों को ऐड आड़ करूंगा तो 8 3 and 2 दिस विल बी 5 तो ये बन जाएगा 4.58 क्या पास बात समझ में आ रही है मतलब आ जाती है रिजल्ट की रिजल्ट के लिए एडिशन में हमेशा आपका रिजल्ट जो रहेगा दैट विल बी अप टू द लीस्ट अप टू द क्वांटिटी विच अपू द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी विच हैव लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इन दोनों में से इसका जो मेजरमेंट हो रखा है वो डेसिमल के एक प्लेस तक है और इसका मेजरमेंट जो है वो डेसिमल के दो प्लेस तक है तो आपका रिजल्ट जो आना चाहिए वो डेसिमल के एक प्लस तक ही आना चाहिए आपके पास ये क्वांटिटी जब डेसीमल के एक प्लेस तक ही है तो आप डेसिमल के दो प्लेस से ऑर्डर तक प्रिसाइज वैल्यू नहीं ऑफर कर सकते

ठीक है तो ये दिख रहा है अपने को 4.6 10 10 5 अगर तुम चाहते हो कि सर इसको 10 to power 6 में सॉल्व करना है तो 10 to power -6 में करो, चलो. ये बनेगा आपके पास कौन 42. ठीक है और ये बन जाएगा 42 10 कितना हो जाएगा माइनस सिक्स इसको वापस से रिजल्ट अगर, अगर अपन देना चाहें तो रिजल्ट इधर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ठीक है ये जो बनेगा क्या बनेगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी फोर्टी फाइव पॉइंट कितना हो जाएगा एट इन टू क्या हो जाएगा ये टेन रेस तो पावर माइनस सिक्स अब वापस आ आगे आप यहां पर ये यह आंसर नहीं है ये अगर मैंने इनको ऐड किया फोर्टी टू और थ्री क्या उत्तर जाएगा फोर्टी फाइव पॉइंट एट हो जाएगा बट अब यहां पर इस वाली क्वांटिटी में डेसिमल प्लेस है ही नहीं तो आप रिजल्ट को डेसिमल प्लेसेस में नहीं ऑफर कर सकते जबकि इसमें एक क्वांटिटी जिसको आपने ऐड किया है उसमें डेसिमल प्लेसेज है ही नहीं तो उसका जो रिजल्ट आना है उसका प्रिसीजन ज्यादा कैसे हो सकता है तो अपना जो रिजल्ट आएगा अपना जो रिजल्ट रहेगा उस रिजल्ट का प्रिसीजन इनमें से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाली क्वांटिटी के ऑर्डर का होगा उसका तो इसमें कोई भी डेसिमल प्लेज नहीं है तो अपने रिजल्ट में भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं होने चाहिए तो यहां पर रिमोबल एट आगे वाली डिजिट को एक से इंक्रीज करेंगे दिस विल बी पावर कितना हो जाएगा माइनस सिक्स फोर्टी सिक्स इंटू पावर माइनस सिक्स आना चाहिए तो अगर आपको टेंड सुपर माइनस फाइव में आंसर चाहिए तो ये रहेगा रिजल्ट अगर टेनरेड सुपार माइनस सिक्स में आंसर चाहिए तो ये रहेगा रिजल्ट

that is also equals to क्या हो गया अपने पास a तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा मेरे पास स्क्वायर दिस इज स्क्वायर एंड दिस विल बी ये बन जाएगा अपने पास 2a2 2a2 हो जाएगा ये अपना cos थीटा इसको उधर इसको इधर तो ये बन जाएगा 2a2 cos थीटा थीटा दैट विल बीवस टू ये इधर आएगा तो टू ए स्क्र माइनस ए स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा ए कैंसिल और थीटा विल भी सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री विल बी रिजल्ट और दिस सिचुएशन पचास का आंसर रहेगा एक चलते अपन अगले क्वेश्चन पर फिफ्टी वन फिफ्टी वन जो बोल रहा है अगर वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा, गमा विद गमा रिस्पेक्टिवली विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस, तो थन साइनस्क्वेयर अल्फा प्लस साइनस्क्वेयर बीटा प्लस साइनस्क्वेयर गमा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है? ये बेसिक क्वेश्चन है। कोस्थ स्क्वेयर अल्फा प्लस कोस्थ स्क्वेयर बीटा प्लस कोस Alpha, ये 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 बेसिक वेक्टर्स से से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन है 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 अच्छे से अपने को याद याद होना वैल्यू आप इसकी रखें दैट दिस विल बी चलते हैं अपन नंबर पर 52. 52 ये बोल रहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर वेक्टर प्लस प्लस तथा OD सदिश का

और इनके बीच में एंगल फोर्टी है तो इनका रिजल्टेंट जो जाएगा वो एंगल बाई सेक्टर, पे जाएगा। एंगल बाई सेक्टर पे तो फिर 45 का आधा जाएगा अपने बाईस। तो आप वो उसके लिए मैं क्या देखूं कि जो अपना पहला और तीसरा वेक्टर जो है वो 90 डिग्री पर है अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर और आर का और इसकी डायरेक्शन

रूट टू आर और इस पर ओबी पहले से ही था तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है अपने पास आर क्या ये बात समझ में आ रही है तो पहला दूसरा और तीसरा ओ एवसी का कुल cool रिजल्टेंट जो बनेगा दैट इज प्लस क्या हो जाएगा आर क्या ये बात समझ में आ रही है क्या डायग्राम क्लियर है ठीक है अब अपने को ये दिख रहा है दिस इज योर ओडी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आर दे रखा है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो अब एंगल एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है वो कितना वापस से 90 डिग्री है क्या बात समझ आ रही है तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है एक वेक्टर जो ये मैग्नीट्यूड का है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ये है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री अगर आपको रिजल्टेंट की बात की जाए तो पेरोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट जो जाएगा वो किधर जाएगा इस डायरेक्शन में यहां इधर रिजल्टेंट जाएगा और अगर अपने को रिजल्टेंट की बात पूछी जाए तो आर विल बीवस टू दिस बी अंडर रूड ऑफ अपने पास क्या रहेगा? A square plus क्या रहेगा रहेगा ये total resultant की बात कर रहा हूं, मैं ठीक है आपको केवल resultant ही पूछा है तो इसको सॉल्व करते हैं जिसमें अपने पास एक वेक्टर तो क्या हो गया है ए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए यहाँ पर ये कौन है रूट टू आर प्लस आर तो ये आर को कॉमन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा मेरे पास कितना रूट टू प्लस वन और यहां पर बी जो है वो कितने का हो चुका है आर का हो चुका है तो हमारे पास आर नेट विल बी बीक्स टू ये बन जाएगा मेरे पास कैसे दिस इज रूट टू प्लस वन का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी, जो कौन है अपने पास ये हो गया आर स्क्वायर आगे सॉल्व करते हैं आर स्क्वायर को तो ले लेता हूं मैं कॉमन देन आर नेट विल बी बीवस टू आर गया बाहर यहां पर जो बचेगा वो बनेगा हमारे पास रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर इसको ओपन करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से तो रूट टू का स्क्वायर टू वन का स्क्वायर ए प्लस बी का, square, square 2AB, 1 का square, 1, 2AB, क्या हो बी जो अपने दूसरा यहां पर ये जो आर स्क्वायर है उसकी वजह से आर जो कॉमन गया उसका क्या बचेगा वन तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस ये इस आर का यहां पर वन बचा हुआ है तो टू प्लस वन प्लस वन ये बन जाएगा मेरे पास आर रूट ये गया तुम्हारा कौन फोर प्लस ये टू रूट टू दिस विल बीजल्ट आर अंडर प्लस टू रूट टू रिजल्ट आर अंडरव फोर प्लस टू रूट टू तो फिफ्टी टू एक बढ़िया क्वेश्चन जिसका आंसर रहेगा हमारे पास थ्री आर अंडर रूट फोर प्लस टू रूट टू चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 53 पर 53 53 ये बोल रहा है ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर इज मेजरड यूजिंग ए मीटर स्टिक हैविंग एमएम डिवीजन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इज एक मीटर स्केल की विभाग एमएम mm में है इसकी सहायता से 50 मीटर दूरी मापी जाती है तो मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ठीक है प्रतिशत त्रुटि एक तो आपका मेजरमेंट की वैल्यू कितनी है दैट इज 50 कौन है अपना सेंटीमीटर ठीक है अगर मैं बात करता हूं यहां पर डिवीजन किस में है एमएम डिवीजन एम एम में है एम एम का मतलब मिलीमीटर में है तो आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो हो सकती है वो कितनी की हो सकती है एक एम mm एम की हो सकती है एक एम mm. एम ठीक है क्योंकि उसके बाद तो अगला मेजरमेंट हो जाएगा तो यहां पर अपन एक एमएम mm को क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में लेके आएंगे और उसको अगर अपन लिखें तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर आपको ये पूछा हुआ है कि इस क्वांटिटी को मेजर किया है और इसमें अपॉन अपने पास कौन है पचास ये भी में चल रहा है सेंटीमीटर में, में इनटू में अगर अपन देखेंगे तो ये मेरे पास चल जाएगा हंड्रेड ठीक है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल पचास से सो दो बार कैंसिल और दो और 0.1 का मल्टीप्लीकेशन जो रहेगा दैट इज 0.2 परसेंट दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स क्वांटिटी दैट इज 0.2 टू परसेंट पॉइंट परसेंट की अगर अपन बात करें तो ये रहा तुम्हारा 0.2 परसेंट क्या बात समझ में आ रही है ठीक है तो 53 का आंसर नंबर हो जाएगा वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पर फिफ्टी 54. Which of the following is unit vector perpendicular to a vector and b vector? एक बढ़िया क्वेश्चन निम्न में से कौन सा a सदिश तथा b सदिश के लंबवत एकांक सदिश है ठीक है तो देखो हम लोग जानते हैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास a b साइन थीटा इनटू होता है हमारे पास n कैप

ए कैप क्रॉस बी कैप भी ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा कहने का मतलब ये वेक्टर भी ए और बी के परपेंडिकुलर है बट इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर ठीक है यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड वन नहीं होगा तो यहां पर ये जो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे के सारे वैक्टर्स जो है ये ए और बी के परपेंडिकुलर है बट आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इनमें से यूनिट वेक्टर जो है वो केवल यही है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही क्लोज रिलेशन

Always less than ए प्लस बी तो हमेशा ए प्लस बी से कम भी नहीं होना है क्योंकि वो कभी कभी ए प्लस बी भी हो सकता है greater than ए प्लस बी तो अपन जानते हैं कि ये greater than ए प्लस बी नहीं होना है ठीक है नेक्स्ट नॉट ग्रेटर देन ए प्लस बी हाँ हमेशा ये ए प्लस बी से ये कभी भी बड़ा नहीं होगा तो इट इज नॉट ग्रेटर ऑलवेज नॉट ग्रेटर देन ए प्लस बी एक थोड़ा सा वर्ल्ड्स मैनिपुलेटिंग का क्वेश्चन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 55 का आंसर रहेगा 4 जो ए प्लस बी से कभी भी ये जो परिणामी रहेगा वो अधिक नहीं रहेगा ए प्लस बी का मतलब परिमाणों के सदिव, सदिव, सीधे -सीधे योग से अधिक नहीं रहेगा वेक्टर इज रहे दिस एंड बी वैक्टर इज दिसन प्रोजेक्शन ऑफ a वैक्टर ऑन b वैक्टर विल बी यदि a ये हो, तो ये हो तब ए सदिश का b सदिश की दिशा में घटक होगा ठीक है तो

तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ रही है अब प्रोजेक्शन ऑफ़ वो बनेगा ए डॉट बी क्या बनेगा बी जिस पर प्रोजेक्शन पड़ता है वो डिनोमिनेटर में आएगा ठीक है थ्री और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी का मैग्नीट्यूड अपने को चाहिए ये बनने वाला कितना हो जाएगा दिस विल बी अंडर रूट ऑफ यहां पर माइनस वन का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा मेरे पास कौन थ्री का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा मेरे पास कौन फोर का स्क्वायर ठीक है तो दिस विल बी अपॉन ये सब जो मामला जाएगा ये बन जाएगा अपने पास पास प्लस प्लस बन जाएगा ये, 9, प्लस ये बन जाएगा जाएगा ये ये मेरे पास कौन? 16. तो एक दस और सोलह छब्बीस तो दिस विल बी अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स थ्री अपॉन अंडर रूट हाँ थोड़ा सा ध्यान से थ्री अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स थ्री अपॉन रूट ट्वेंटी सिक्स This will be the answer of question number 56. तथा बाद में उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है और उसी चाल से चलता रहता है तो इसका औसत वर्ण क्या होगा तो डायरेक्शन बना लेते हैं डायरेक्शन ये अपने पास ऐसा रहा मामला ये अपने पास कौन n ये रह गया s इधर हो गया तुम्हारे पास कौन ईस्ट इधर हो गया वेस्ट पहले ये ईस्ट में जा रहा है कितने से 5 से जा रहा है तो ये ईस्ट में जा रहा है कितने से 5 से यानी कि v1 की वैल्यू हो गई v1 वेक्टर की वैल्यू हो गई अपने पास कितना 5 मीटर पर सेकंड ठीक है अब आगे इस डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ म स्पीड तो अब ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और अब ये वापस से पांच मीटर पर सेकेंड से चल रहा है बट अब इसकी वेलोसिटी वैक्टर क्या हो जाएगा वी टू वैक्टर यह हो गया ठीक है तो अब अपने क्या होता है ए एवरेज दैट इज बेसिकली डेल्टा वी अपॉन क्या रहेगा डेल्टा टी ठीक है और टाइम जो लग रहा है वो कितना दिया हुआ आपको दस सेकेंड डेल्टा वी वैक्टर का मतलब होता है हमारे पास दिस इज वी टू वैक्टर माइनस क्या है वी वन वैक्टर इसका अपन तो का तो मैग्नीट्यूड तो जो रहेगा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड वो रहेगा मेरे पास अंडर रूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क् माइनस टू ए बी कॉसा जिसमें थीटा नाइनटी डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना फाइव स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा फाइव स्क्र

वन तो बाई रूट टू सो सब में आ रहा है ओके तो अब अपने को बताना है डायरेक्शन तो डायरेक्शन यहां पर देखते हैं दिस इज वी टू और माइनस वी वन तो वी टू इधर है तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस विल बी वॉट माइनस वी वन वेक्टर वी टू उधर माइनस वी वन इधर तो इधर अगर, अगर अपन नेट की बात करेंगे तो वी टू इधर माइनस वी वन इधर तो इन दोनों का रिजल्टेंट एडिशन पेलोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये जाएगा इधर की तरफ दिस विल बी वी टू वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा वी वन वेक्टर डायरेक्शन इसकी कौन सी बन रही है ये बन रही है डायरेक्शन इसकी ये बनेगी तो ये डायरेक्शन कौन सी है तुम्हारी दिस विल बी द डायरेक्शन तो ये बन रहा है अपने पास कौन सा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन

A stone is dropped from top of the tower, touches the ground in 4 second. Okay, fine. The height of the tower is about एक मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है तो जमीन तक पहुंचने में उसका चार second का समय लगता है मीनार की ऊंचाई लगभग होगी तो एकदम सिंपल सी बात है ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट ये यहां से गिरा रहे हैं इसका g डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अपने जीरो पर टाइम जो लग रहा है उसको कितना लग रहा है ठीक है तो ऐसी जगह मेरे पास हो गया यू टी प्लस ये हो जाएगा अपने पास कितना? वन बाई टू, के बराबर, टेन। एक सौ साठ बटा हो जाएगा सोलह इंटू दस बटा दो तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना विल टू एटी तो अस्सी मीटर अपने पास हाइट बनने वाली है फिफ्टी एट का आंसर रहेगा बट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 59 पर 59 उठने स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद ए स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द रीचेस इन द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 2u द हाइट ऑफ टावर विल बी किसी मीनार से एक पत्थर को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है जिसका पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग 2u हो जाता है मीनार की ऊंचाई क्या होगी ठीक है तो देखते हैं सिचुएशन सिचुएशन ये है कि हमारे पास यहां पर ये है टावर लेट अस कंसीडर इसकी हाइट कितनी है एच इसको अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया है थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू तो यहां से इसको अपन ने ऊपर की तरफ यू से प्रोजेक्ट किया है ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा और वापस नीचे आएगा और नीचे आते टाइम इसने बोल दिया है कि व्हेन रीचेस द ग्राउंड विद वेलोसिटी कितना है टू यू

ऐसे घूम के इस जगह पर पहुंचता है तो इनिशियल पोजिशन ये, ये है और फाइनल पोजिशन ये है तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा

दिस विल बी फोर यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू बन जाएगा अपने बात करें तो ये कितना हो जाएगा थ्री यू स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा टू जी तो हाइट ऑफर विल बीवल टू थ्री यू स्क् रिजल्ट थ्री यू स्क्र अपॉन क्या रहेगा टू जी तो फिफ्टी नाइन का आंसर नंबर रहेगा कौन थ्री

हम लोग जानते हैं कि अपने पास क्या रहता है ए विल be टू to dv अपन क्या हो जाएगा डी तो यहां से अगर अपन डीवी की बात करें तो ये हो जाएगा ए और अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो एरिया अंडर टाइम कर्व विल बीवस टू ये मेरे पास यू से लेके वी तक हो जाता हूं तो मैं इसको लिखूंगा वी माइनस यूटीव टू वी माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए डी टी

ये बन जाएगा मेरे पास छह दस और छ कितना हो जाएगा साठ सिक्सटी मीटर पर सेकेंड तो क्वेश्चन नंबर का आंसर भी रहेगा अपना कितना ठीक है मीटर पर सेकेंड एक सिंपल क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का आंसर रहेगा फोर तो हम लोगों ने पूरा पेपर डिस्कस किया मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पेपर अच्छा किया होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे अगले पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट दिस इज फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच